दे जल्दी 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 जल्दी। उधर पीछे सभी लोग फटाफट सेटल डाउन होना इधर इधर किधर भी जिधर जगह मिल रही उधर सेटल हो जाओ गुड मॉर्निंग होप यू वेर वेरी फाइन हॉलीडे है ना बहुत रिलैक्स मिला होगा ना लाइफ में ऐसा आराम से उठने का पता है कुछ लोग तो ऐसे झटके से उठेंगे, शिट लेक्चर गया <laughs> फिर उनको याद होगा नहीं, नहीं संडे इट्स ओके इट्स ओके बराबर है कि नहीं चलो रिवीजन किया कुछ लोगों ने कितो ने किया जेन्यनली बताओ रिवाइज किया चाहे इतने लोगों ने किया मतलब ये लोग बहुत सीरियस है लाइफ को लेके कितु तो नहीं किया जेन्यनली हाँ नहीं किया ठीक है पॉसिबिलिटी है इसकी भी बहुत बढ़िया चलो अपने साथ आपको तो पता परंपरा पहली रिवाइज करने की है ठीक है स्टार्ट करो जीरो से जीरो 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 स्टेट जीरो।, जीरो से सबसे पहले फटाफट देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पेपर डिपार्टमेंट डिवाइडेड डी टी डी टी फिर हम इसके आगे बढ़े हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ देखी कि सर यू नो इनकम टैक्स हिस्ट्री सर जेम्स विल्सन कॉल्ड एज फादर ऑफ द इनकम टैक्स पहली बार एक्ट बना इन द ईयर नाइनटीन फिर 1961 वट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स पहला इनकम टैक्स एक्ट फिर इनकम टैक्स रूल्स फिर नोटिफिकेशन सर्कुलर्स एंड केस लॉस ये फिर एक्ट के अंदर में एक्ट प्रोविजन होते हैं प्रोविजो होते हैं एंड शेड्यूल होता है किसी भी टैक्स को लगाना है या कलेक्ट करना है आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए और ये अथॉरिटी ने लॉ पास करना चाहिए तो हु इज द अथॉरिटी टू पास द लॉ सो देर आर टू अथॉरिटी जो पास करती है लॉ को या तो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट रेसेस पे है तो प्रेसिडेंट फिर हमने देखा टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके हाथ में सेंटर एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट फिर हम आगे बढ़े लॉ कैसे समझता होगा कि कुछ चेंजेस करने है? पहले लॉ मेकर लॉ बनाता है लॉ लॉ उसको uh, law, उसको इंप्लीमेंटर इंप्लीमेंट करता है इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है तो चेंज होता है या इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आती है तो चेंज होता है ये yes सोनो no? फिर हमने समझा कि भैया टैक्सेस क्या होता है टैक्सेस के दो उपाय टैक्सेस एंड ड्यूटीज ड्यूटीज इज ऑन गुड वेरा टैक्सेस इज ऑन गुड्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो Yes, type of taxes दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर हमने देखा एंड स्टेट सचार्ज कैन बी केप्ड ई यूनियन वेर एस कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक और स्टेट यस yes, फिर हम आगे बढ़े हर साल एक्ट में क्या आता है अमेंडमेंट अमेडमेंट कहा से आते बजट से बजट जो होता है डीटी में इसका इंप्लीमेंटेशन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से होता है फिर हमने इनकम डिस्कस करी वी हैव नथिंग टू डू लीगल और और यस नो इनकम मे मे बी बी रेगुलर जब भी कोई रिसीट मिलती है हम उसे इनकम करते हैं क्या नहीं हर रिसीट इनकम नहीं होती सो so, रिसीट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट्स आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स वेर एज रेवेन्यू रिसीट्स आर चार्जेबल टू टैक्स अनलेस डिडक्शन एंड एक्समशन इज गिवन

से हम लोगों ने सेक्शन चार पढ़ना चालू किया तो जो बेहद इंपॉर्टेंट है राइट तो एक बार मेरे साथ प्लीज सेक्शन नंबर को रिवाइज कर लीजिए इनकम टैक्स इन एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड इन फाइनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन द प्रीवियस ईयर याद आ क्या मालिक आपको तो इनकम टैक्स को तोड़ताड़ कर दिया था हमने फिर हम गए थे यहां से समझने के लिए वॉट डू मीन बाय पर्सन चलो कम ऑन एवरीबडी यूज योर हैंड एओपी लोकल अथॉरिटी एजेपी याद आ रहा है लेकिन इनकम टैक्स में हम सिर्फ पर्सन वर्ड को यूज नहीं करते हैं. हम किसको यूज करते बेटा असेसी ये सो नो असेसी सो असेसी मतलब कौन होता है एवरी पर्सन हु इज हुईबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन इनकम और लॉस इ डीम टू बी असेसीद हम आगे बढ़े हमने टी डी एस कैसे वक होता है वो देखा फिर सेक्शन चार में हमें और दो वर्ड थे जो अनजाने थे बेगाने थे प्रीवियस ईयर असेसमेंट इयर यस असेसमेंट इयर इज द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल एवरी ईयर यस वेर एज अयर प्रिस दसेसमेंट इसल्ड एज प्रीवियस ईयर यस वी टेक

बिल्कुल नहीं हो सकता हम असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसके एंड वर्ड से 2023 थाउजेंड ट्वेंटी को हम ट्वेंटी लिखते हैं सिर्फ बट अंडरस्टैंडिंग यही होता है एक अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च फिर हमने एक्सेप्शन देखा जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट था एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर क्या तुम्हें याद है हाँ वो मेरे भाई क्या नाम था क्या क्या नाम यूज किया था हमने करण बराबर है क्या क्या कर रहा था? क्या कर रहा रहा था था करण गणपति डांस इतने में कौन आई शिप

पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली तो इन पांच केसेस के अंदर में जिस प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स देना होता है आ हो। यहां तक के अब तक हमने पढ़ा है कि नहीं वापस सेक्शन चार पे जाओ द इंटरलिंकिंग ऑफ द सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग एंड वॉट वी आर हेडिंग टू इफ यू लुक एट सेक्शन फोर हमें किसी भी व्यक्ति की टोटल इनकम जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई है उस उसपे इनकम टैक्स देना है असेसमेंट ईयर में उस रेट पे जो एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखा है नाउ प्लीज टेल मी माई फ्रेंड्स है वर्ल्ड रेट यस सो वट इज टूडेज टारगेट आज के लेक्चर के अंदर में हम लोग टैक्स रेट कैलकुलेशन चालू करने वाले हैं विच विल बी यूजफुल टू यू फॉर द होल एंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू बिकेम प्रोफेशनल और यू डू नॉट बिकेम प्रोफेशनल बट वाई अदर ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास नहीं तो so, जब तक के आप जिंदा हैं अब आपको यह काम आने वाला है रेट ऑफ टैक्स ठीक है लेटमी फर्स्ट टेल यू समिंग अबाउट द रेट ऑफ टैक्स एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर वेन इट कम्स टू बजट स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स हैज बीन

अब ये स्लैब रेट इसे नॉर्मल शब्दों में यूज किया जाता है जैसे आप अपने घर पे भी कभी डिस्कस करेंगे तो दे यूज द वर्ड स्लैब रेट अब ये स्लैब रेट क्या होता है भाई स्लैब रेट का मतलब होता है अप टू अ अटन लिमिट द इनकम इज नॉट टैक्सेबल बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट द इनकम इज टैक्सेबल एट अ पर्टिकुलर रेट लेट एस अंडरस्टैंड दिस इन दिस वे हम सब जानते हैं जनरली कहां तक का टैक्स नहीं लगता सिर्फ आपको एक रफ आइडिया देके रखा है, टू लाख फिफ्टी थाउजेंड सो टू लाख फिफ्टी है एंड थ्री लाख है वो पांच परसेंट है तो क्या थ्री लैख पे फाइव परसेंट लगना चाहिए या सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड पे 5 लगना चाहिए, अप टू लैख्टी थाउजेंड निल बियॉन्ड टू लैख्टी थाउजेंडे फाइव परसेंट दैट्स इट इज कॉल्ड एज स्लैब कि यहां तक के कुछ नहीं उसके ऊपर ऐसा उसके ऊपर ऐसा उसके ऊपर ऐसा डोंट यू थिंक दिस स्लैब डिनोट्स द प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन व्हाट इज प्रोग्रेसिव बेसिस याद आ रहा है तो अप टू सर्टेन लिमिट देर वोट बी एनी टैक्स बियॉन्ड सर्टेन लिमिट देर विल बी अ टैक्स ये सोनो ओके okay. ये हो गया आपका स्लैब रेट ये हो गया एक नॉर्मल रेट विच इज एप्लीकेबल टू जनरली रेगुलेटेड यस नाउ आई कम टू अनादर पार्ट ऑफ इनकम इनकम स्पेशल इनकम आर सच अनग्युलर इनकम विच पर्सन मतलब ऐसी इनकम जो रोज रोज अराइज नहीं होती अब आपको एक्स्ट्रा मिला सरकार क्या बोलेगी तुझको मिला मुझको भी चाहिए सरकार क्या बोलेगी तुझको मिला मुझको भी चाहिए तेरे को एक्स्ट्रा मिला ना मेरे को भी दे लेट मी गिव एन एग्जाम्पल मान लो अचानक से किसी व्यक्ति को लॉटरी लगी अब लॉटरी एक ऐसी चीज है जो, जो रोज रोज लगती है क्या नहीं अब अगर तेरे को एक्स्ट्रा मिला तो सरकार को भी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए कि नहीं यस yes? तो लॉटरी के ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिया गया है लॉटरी के ऊपर क्या किया गया है स्पेशल रेट ऑफ प्रॉपर्टी तूने बेची इनकम आई एंड यू आर नॉट अ डीलर इन लैंड अंडरस्टैंड राइट प्रॉपर्टी बेचा इनकम आई रोज रोज बेचता है क्या प्रॉपर्टी नहीं अनलेस यू आर डीलर इन लैंड फॉरगेट अबाउट दैट पार्ट पर रोज रोज तू प्रटी बेचता नहीं तुझे अचानक से गेन हुआ तुझको मिला मुझको भी चाहिए तू भी मेरे को भी दे एक्स्ट्रा तो टैक्स इन टू टू पार्ट पहला नॉर्मल स्लैब रेट दूसरा स्पेशल रेट ये जो नॉर्मल स्लैब रेट होता है ना इसके रेट एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर में आते हैं हर बार ये सुनो जबकि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स एक्ट में ही दिए हैं मतलब रेट जो स्पेसिफाइड है नॉर्मल स्लैब रेट फाइनेंस एक्ट में दिए होते हैं हर बार क्योंकि ये हर साल चेंज होते हैं ये जो है ये क्या होते हैं हर साल चेंज होते हैं जबकि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स एक्ट में दिए हैं क्योंकि वो बहुत दिनों तक सालों तक के क्या होते चेंज होते नहीं यस yes? जैसे लॉटरी पे टैक्स मैं जब से टैक्स पढ़ रहा हूं तब तो से लॉटरी पे तीस परसेंट ही है तो उसका रेट कहां दिया हुआ है एक्ट बराबर है जबकि स्लैब रेट जो है ये हर साल क्या होते हैं चेंज अब इसे हर साल चेंज होने की जरूरत क्यों पड़ती और एक और सवाल आता है ये रफली लाख रुपए क्या बेसिस से निकाला मन में एक सवाल आना चाहिए आपके कि भैया ढाई लाख ही क्यों मतलब यू नो टू लाखेंड ही क्यों वो तो ऐसा सवाल हो गया ना चेस के अंदर में घोड़ा कितने कदम चलता है ढाई एक्चुअली चलता तो वो तीन है उसको ढाई क्यों बोल रहे तो ये ढाई लाख आया क्यों देखिए ढाई लाख जो है ये एक रफ कैलकुलेशन से निकाला गया है मैं आपको रफली बताता हूं कैसे देखिएगा आज एक आम मध्यम वर्गीय परिवार को अगर अपना घर चलाना है रफली ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ चाहिए कि नहीं उसको डोंट थिंक अबाउट पुणे यहाँ पे ज्यादा लगेगा बड़ी शहरों में ज्यादा लगेगा बट अगर मैं एक इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं टीयर टू ट्रियर थ्री, थ्री सिटी में भी आज मिनिमम से मिनिमम खर्चा बीस हजार महीने का हो गई एवरीथिंग सब पकड़ के फॉरगेट अबाउट बाकी सारी चीजें बीस हजार तो लगना ही लगना है घर खर्चों के अंदर में इनटू टू बारह बन जाते दो लाख चालीस हजार बरे बरे, दस हजार एक्स्ट्रा दवा दारू एक्स्ट्रा दस हजार एटसेट्रा तो एक एकदम आम आदमी को सोचते हुए ये रखा गया है बहुत मध्यम वर्गीय परिवार को सोचते हुए रखा गया है कि यार ये कितना होगा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ये इस विचार से रखा गया है तो बताइए टैक्स रेट कितने पार्ट में डिवाइडेड है दो नॉर्मल स्पेशल नॉर्मल को हम क्या कहते हैं स्लैब रेट कहा लिखे हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट जबकि स्पेशल रेट कहां लिखे हैं इनकम टैक्स एक्ट स्पेशल रेट का मतलब क्या होता है ऐसी इनकम जो हर बार अराइज नहीं होती सरकार बोलती है तुझको मिला मुझको भी चाहिए मेरे को भी एक्स्ट्रा दे समझ में आ रही है बात अच्छा अब इसको करो बाजू देखिए अब तक क्या होता था मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि ये तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए अब तक ऐसा होता था कि 2019 तक की मैं बात करता हूं सबसे पहले 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो बहुत मतलब क्रेज था काफी अच्छा काम भी किया डेवलपमेंट के नाम पे 2019 ध्यान से सुनना पूरी हिस्ट्री पूरी एक एक वर्ड काम का है 2019 आया अब 2019 के पहले मोदी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सख्त डिसीजन लिए जिससे बहुत बड़े फर्क पड़े लोगों की इनकम के ऊपर जैसा पहला डिसीजन दो में जीएसटी को लाके किया नोटबंदी आ गई आर यू गेटिंग द पॉइंट नोटबंदी आ गई तो अब इससे क्या हुआ जो इंडिया अब तक के कैश पे धंधा करता था उनको वाइट पे आना पड़ा और देखिए आप अगर एक चाय भी पीते तो उसके पास क्यू आर कोड है मतलब इनकम अब व्हाइट में जा रही जो पहले क्या होता था कैश निकलता था आदमी कैश दे देता था बराबर है आज अगर किसी ने तुम्हारा गूगल स्टेट तुम्हारा बैंक अकाउंट निकाल दिया ना पांच रुपए दस रुपये पंद्रह रुपये पच्चीस रुपये दुनिया भर का तो बड़ा स्टेटमेंट निकलेगा तुम्हारा डोंट यू थिंक सो यस क्योंकि तुम ये पांच रुपए पंद्रह रुपए बीस रुपए पचास रुपए हो पर ये में रहा है जो पहले पूरा का पूरा लोगों की डिमांड बढ़ गई कि यार नहीं हमारे को बेसिक लैबरेट बढ़ाओ बेसिकेट बढ़ाओ बेसिक्स लैबरेट बढ़ाओ नाउ अंडरस्टैंड कीजिए बेसिक्स लैबरेट भारत सरकार नहीं बढ़ाना चाहती थी पूछो क्यू बेस लॉजिक समझना

ये पांच लाख का बेनिफिट तो सलमान भाई को भी मिल जाएगा सलमान को जरूरत है क्या इसकी विजय को जरूरत है क्या इसकी बराबर है कि नहीं तो ये हो रहा था डिसप्रोपोर्शनेट। इसलिए सरकार क्या नहीं कर रही थी स्लैब रेट नहीं बढ़ा रही थी तब जाके सरकार ने एक और कंसेप्ट लेके आया रिबेट तब जाके सरकार ने एक और कंसेप्ट क्या लेके आया रिबेट अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की इनकम एक लिमिट के ऊपर ना जाए तो उसको डिस्काउंट दिया जाता है टैक्स में सो इज रिबेट डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स इज रिबेट डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स तो ऐसे केस में क्या हुआ बढ़ाया पर विजय तेरी इनकम पांच लाख से ऊपर नहीं जा रही तेरे टैक्स को हम जीरो कर देंगे रिबेट लाके अब इससे फायदा यह हुआ कि सलमान को उस चीज का बेनिफिट नहीं मिला पर विजय को उस चीज का बेनिफिट मिल गया समझ में आ रही बात फर्दर फर्दर क्या हुआ जरा ध्यान से सुनिए अब बहुत से लोग चिल्ला रहे थे हमको इनकम टैक्स के बेनिफिट दो हमको इनकम टैक्स के बेनिफिट दो इंडियन गवर्नमेंट ने यूएसए गवर्नमेंट से जब आप मेरे साथ सीए फाइनल में होंगे तब तो पढ़ाऊंगा पूरा थर्टी मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्स है तो सीए फाइनल के अंदर में थर्टी मार्क्स के इंटरनेशनल टैक्स में अब क्या हुआ जरा देखिए भारत के जो लोग थे ये कह रहे थे कि यार महंगाई बढ़ गई है दो में महंगाई बढ़ गई है हमारे को यू नो इनकम टैक्स लैब बढ़ाओ इनकम टैक्स लैब बढ़ाओ इनकम टैक्स लैब अगर बढ़ा देते ना तो इसका बेनिफिट उनको भी हो जाता जिनको जरूरत नहीं है बरे बरे। तो अब भारत सरकार ने यूएसए टैक्सेशन से एक ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम निकाली क्या निकाली बेटा अल्टरनेटिव टैक्स टैक्स अब पूछो ना ये क्या होता है अल्टरनेटिव टैक्स में आपको ऑप्शन दिया अल्टरनेटिव टैक्स में आपको क्या कर दिया ऑप्शन दे दिया यू टेक डिडक्शन एंड एग्जम्शन एंड पे द टैक्स एट हायर रेट आप डिडक्शन लो एग्जम्पन लो और हायर रेट पे पे करो अल्टरनेटिव टू आप डिडक्शन और एग्जम्शन कुछ हम बोलेंगे वो छोड़ दो और लोअर रेट पे पे करो मतलब अब आपको क्या कर दिया ऑप्शन या तो जीवन के पहले कुछ साल मजे कर और जीवन भर काम करते बैठ या तो कुछ मजे छोड़ दे और जीवन भर ऐश करते बैठ समझ में ही बात मतलब अब तुमको ऑप्शन दे दिया अब हर व्यक्ति के पास ऑप्शन है उसको हायर रेट पे पे करना है तो उसको डिडक्शन एंड एग्जम्पन ले लेने समझना नहीं। अगर उसको लोअर रेट पे पे करना है तो उसको कुछ डिडक्शन और कुछ एग्जामेशन क्या करने है? छोड़ देने हैं बराबर है तो 2019 से एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया गया और हर व्यक्ति को राइट दिया गया एवरी ईयर ही कैन डिसाइड ही टू टू गो गो हियर ही हियर तो रिटर्न भरने से पहले उसके पास एक ऑप्शन होता था कि या तो वो ओल्ड स्कीम में जाए और दुनिया भर की डिडक्शन ले ले या तो वो न्यू स्कीम के अंदर में जाए और कुछ डिडक्शन एंड एग्जाम छोड़ दे जैसा आपके साथ हो रहा है आज आप क्या कर रहे हो दूसरे जहां कॉलेज एंजॉय कर रहे हैं दूसरे जहां दुनिया भर की मस्ती कर रहे हैं दूसरे जहां शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं उस टाइम पे तुम दिन भर इधर बैठे हुए हो तो कुछ चीजें तुम आज सेक्रीफाइस कर रहे हो ताकि तीन साल बाद तुम वो भरपूर मजे ले सको जीवन भर तो आप भी तो ये कर ही रहे हो ऑप्शन तो सबके पास था ऑप्शन तो सबके पास था या तो आज मजे कर और बाद में जीवन भर मेहनत कर ले या आज मेहनत कर ले जीवन भर ऐश कर समझ में आ रही बात तो लोगों को ये ऑप्शन दे दिया 2019 से बराबर है और हर साल ये ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकता था कि उसको इधर जाना है या इधर जाना है समझ में आ रही बात ये हर साल हर महीने नहीं डिसाइड होता बिकॉज टैक्स इज एनुअल कंसेप्ट पूरी साल भर की इनकम पे हम टैक्स देते हैं महीने महीने के गेम नहीं है तो वो ये डिसाइड कर सकता था 2024 इलेक्शन आने वाला था 2024 क्या आने वाला था इलेक्शन इलेक्शन से पहले 2023 में निर्मला सीतारमन जी ने भयानक गेम खेला पूछो क्या पहले ओल्ड स्कीम मैंडेटरी थी और न्यू स्कीम ऑप्शनल इन्होंने अक्षय कुमार को देखा और 2023 में ऐसा किया 2023 में कैसा किया ऐसा जो पहले ऑप्शनल था अब वो बन गया डिफॉल्ट और जो डिफॉल्ट था वो बन गया ऑप्शनल एक मिनट अगर ये 2023 में किया तो एप्लीकेबल किसको है समझ में आया क्या तो अब ऐसा है कि तुम्हें दो स्कीम पढ़नी है ओल्ड स्कीम भी पढ़नी है न्यू स्कीम भी पढ़नी है तो जो न्यू स्कीम थी दो हजार उन्नीस में आई हुई क्या बन गई डिफॉल्ट अब अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं लिखा रहा यू हैव टू सॉल्व द द प्रॉब्लम फ्रॉम न्यू स्कीम और अगर प्रॉब्लम क्लियरली बोल दे कि हम ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो ही आपको ओल्ड स्लैब से क्या करना है कैलकुलेट तो द बैड पार्ट इज तुम्हें दोनों पढ़ना है एंड द गुड पार्ट इज दोनों इसलिए पढ़ना है बिकॉज एवरी क्लाइंट हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम डिफरेंट क्लेम ऑफ डिडक्शन सो यू नीड टू डिसाइड विद वेल कैलकुलेटिंग द बोथ विच इज बेटर फॉर हिम सो दैट एज अ प्रोफेशनल यू कैन गिव हिम एन एडवाइस सर आप ओल्ड में जाइए पर आप न्यू में जाइए बिकॉज क्लाइंट टू क्लाइंट पर्सन टू पर्सन ये बदलेगा समझ में आई बात तो क्योंकि क्या होता है जरा देखिए आज सैलरीड एम्प्लॉयड है मेरी बात समझिएगा आज सैलरीड एम्प्लॉयड है हमें ये डिस्कशन क्यों पता होना चाहिए ये हमारे आर्टिकलशिप और फर्दर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकलशिप में कोई एम्प्लॉय आएगा वो बोलेगा कि कंपनी मेरा टीडीएस कट करने वाली है डू यू नो हाउ टीडीएस वर्क्स कंपनी मेरा टीडीएस वर्क करने वाली है मैं क्या कहूं कंपनी को हर एम्प्लॉय को साल के फर्स्ट मंथ में दैट इज अप्रैल में ना कंपनी को एक डिक्लेरेशन साइन करके देना पड़ता है मैं ओल्ड स्कीम में जा रहा हूं या न्यू स्कीम में जा रहा हूं ताकि टीडीएस वो अकॉर्डिंगली डिडक्ट कर सके अब एम्प्लॉय तुम्हारे पास आएगा पहले ही मंथ में तुम्हारे को बोलेगा वॉट शुड आई ऑप्ट ओल न्यू उस टाइम पे आप उसकी इनकम उसके डिडक्शन और उसकी बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एक रफ कैलकुलेशन करते हो और उस हिसाब से बोलते हो सर यू ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम इसीलिए तुम्हें दोनों समझने हैं इसीलिए तुम्हें दोनों समझने हैं तो चलो 2019 में एक था स्लैब लिमिट और एक था न्यू लिमिट ये ऑप्शनल था दोनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते थे यस हर साल अलग अलग कर सकते थे यस तेईस में जो ऑप्शनल था उसको क्या बना दिया डिफॉल्ट और जो डिफॉल्ट था उसको क्या बना दिया ऑप्शनल पर पढ़ना तो दोनों पड़ेगा क्योंकि कौन सा क्लाइंट क्या सिलेक्ट करेगा ये तुमको पता नहीं है समझ में ही बात अब हम सबसे पहले ओल्ड स्कीम समझेंगे पूरा का पूरा और एक बार आपको ओल्ड स्कीम समझ में आ गया तो आपको न्यू स्कीम बहुत इजीली क्विकली अंदर जाएगा समझ में आई बात तो चलो आज से हम कैलकुलेट करना चालू करेंगे टैक्स और टैक्स के अदर चीजें हाँ जी सुनिए एक बात आ, सर जो टैक्स कैलकुलेशन है इसके लिए मुझे ना कंप्लीट डबल पेज लगेगा बिल्कुल बस एक छोटा सा पार्ट हम लोग लिखने वाले हैं तो अगर आप डबल पेज पे ही होंगे अगर आप डबल पेज पे ही होंगे तो फिर ये कहाँ एडजस्ट करना है मैं आपको बताता हूं पर अगर आप सिंगल पेज पे हो तो आप ये लिख सकते हो छोटा सा ही पार्ट है सबसे पहले टैक्स रेट टैक्स रेट कितने प्रकार के है बेटा बोलो बोलो टैक्स रेट कितने प्रकार के है दो पहला क्या है नॉर्मल स्लैब रेट और दूसरा कौन सा रेट है बोलो बच्चा स्पेशल रेट स्पेशल रेट कहां दिया है स्पेशल रेट इज स्पेसिफाइड इन इनकम टैक्स एक्ट वेरा स्लैब रेट इज स्पेसिफाइड इन एन्युअल फाइनेंस एक्ट दैट इज शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट दैट इज शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट ठीक है ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा सर so, बुक कब डिस्पैच हो गई चालू हो गई बेटा डिस्पैच होना तो आज से हमें नया अवॉर्ड मिला मालिक टैक्स रेट जो जो बच्चों का आज पहला दिन है प्लीज पहले के तीन लेक्चर पढ़ के आना भयानक इंटरलिंकिंग है है ना हालांकि आज से भी आप चालू करोगे तो आपका छोटा कुछ नहीं है ये सारे बच्चे जानते हैं है ना बट बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट मैं पहले दिन आके आपको टैक्स रेट चालू कर दूँ दूसरे दिन टैक्स रेट चालू कर दूँ नहीं पर आज आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है हम कहां से आ रहे हैं ठीक है, टैक्स रेट हो गया हाँ जी भाई दो स्कीम है टैक्स की टू स्कीम ऑफ टैक्सेशन बोलो बेटा 2019 से दो स्कीम है टैक्सेशन की कितनी बेटा एक है ओल्ड स्कीम दूसरा है न्यू स्कीम अब न्यू स्कीम को अलग शब्दों में क्या कहा जाता है डिफॉल्ट स्कीम विथ इफेक्ट फ्रॉम ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर प्रीवियस ईयर और ओल्ड स्कीम कैन बी ऑप्टेड तो भैया टैक्सेशन की दो स्कीम है ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम अब न्यू स्कीम जो थी जो दो हजार उन्नीस में आई थी हम बोलते उसको न्यू स्कीमें आज भी इवन दो वो दो हजार उन्नीस की है यह सुनो वो कहते हैं ना न्यू पार्ले जी पार्ले जी बहुत पहले से है न्यू वर्ड ऐसे ही यूज किया जा रहा है तो ये न्यू स्कीम है अब इसको क्या कर दिया डिफॉल्ट बना दिया प्रॉब्लम में अगर कुछ नहीं कहा गया और सिर्फ इतना लिखा कैलकुलेट द टैक्स आपका इसे निकालेंगे न्यू स्कीम क्लियर है राइट right? और प्रॉब्लम ने लिखा यू ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम तो आप कहां जाएंगे ओल्ड स्कीम और ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम बदल सकता है एक ही पेपर में दो अलग क्वेश्चन में एक में न्यू स्कीम और एक में ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबिलिटी है यस बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद डिफरेंट क्लाइंट यस ये हो गया क्लियर अब हम सबसे पहले कहां जाएंगे बोलो बेटा ओल्ड स्कीम अब सुनो मेरे को ना अब एक डबल पेज चाहिए मेरे को क्या चाहिए एक डबल पेज अब प्लीज ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं पहले शांति से समझना सारी चीजें इधर बच्चा बुक बता ठीक है अब देखो मेरे को चाहिए ऐसा डबल पेज पूरा कंप्लीट ठीक है पहले समझ लेना एक ऐसा चार्ट बना के दे रहा हूँ जिससे मॉड्यूल के छः पेज गायब हो जाएंगे और तुम्हारे एक ही पेज में आ जाएगा मॉड्यूल के छः पेज गायब करने जा रहे हैं हम ध्यान से सुनना एक फ्लो चार्ट बनाएंगे एक पार्ट इधर आएगा एक पार्ट बीच में आएगा एक पार्ट इधर आएगा ठीक है हाफ पेज में ये यूज़ हो जाएगा पूरी बात ध्यान से सुनना लेफ्ट साइड वाले पेज पे दो नोट आएगी राइट साइड वाले पेज पे नीचे के पार्ट में दो नोट आएगी एक पेज और पलटना यहाँ पे भी नोट आएगी और जितने एग्जाम्पल लिखाऊंगा वो यहाँ से आएंगे वापस एक बार समझा रहा हूँ हमें कंप्लीट डबल पेज चाहिए राइट इसमें चार्ट बनेगा फर्स्ट पार्ट इधर एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर क्लियर है इसके जो नीचे वाला हाफ पेज रहेगा इधर दो नोट आएगी इधर दो नोट आएगी इधर दो नोट आएगी इन टोटल छ नोट है इन टोटल कितनी नोट है छ ये भी पूरा और जितने एग्जाम्पल लिखाऊंगा वो सब इधर से चालू होंगे है ब्रो पक्की बात गिव द हेडिंग slab rate, that is old scheme. slab rate, that is old scheme. पेज को तीन पार्ट में डिवाइड कर लो एकदम आराम से जाओ कोई जल्दी नहीं है समझ में आई ये चीज ऐसी बनाओ क्योंकि ये जीवन भर यूज होने वाली है जब तक जिंदा रहोगे तब तक यूज होगी तो अच्छी से बनाओ ड्राइंग अच्छी करो हैंडराइटिंग अच्छी रखो मल्टी कलर पेन यूज करो तुमको इंटरेस्ट आना चाहिए तुम्हारी बुक देख के दूसरों को तो तुम्हें इंटरेस्ट आ ही जाएगा फर्स्ट पार्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट इंडिविजुअल बिलो सिक्सटी इयर्स, नॉन रेसिडेंट इपेक्टिव ऑफ एज एच यू एफ AJP पी बी ओ आई ए जे पी ये सारे वर्ड सुने सुने से लग रहे होंगे हाँ जी बच्चे एक लेफ्ट में एक बीच में और एक राइट वाले में ऐसे दोनों पेज यूज़ होंगे तो ये जो है ये लेफ्ट वाले पेज में यूज़ करना फिर एक टेबल बनाऊँगा वो बीच में यूज़ करना और फिर एक एकदम राइट में यूज़ करना है ना पर ये हाफ पेज ही रहेगा नीचे के हाफ पेज नोट्स के लिए तो एक्सट्रीम लेफ्ट में पहला इंडिविजुअल बिलो सिक्सटी इयर्स नॉन रेसिडेंट इेस्पेक्टिव ऑफ एज एच यू एफ एपी बी ओ आई ए जे पी ठीक है इसके नीचे बनेगा टोटल इनकम परसेंटेज शॉर्टकट To two lakh fifty thousand dash two lakh fifty thousand one two five lakh five per cent twelve thousand five hundred five lakh one to ten lakh twenty percent. वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड अबव टेन लैख थर्टी परसेंट डैश मैं थोड़ा स्क्रीन से हटता हूं इंडिविजुअल बिलो सिक्सटी इयर्स नॉन रेसिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एज एच यू एफ AJP। बी ओ आई ए जे पी जल्दी मुझे नहीं है एकदम आराम से करो क्योंकि यहां पे गलती का स्कोप जीरो है दूसरा पार्ट जो आपके मिडल ऑफ द पेज पे आना चाहिए इंडिविजुअल रेसिडेंट और अबव अप टू एट्टी ईयर्स, टोटल इनकम परसेंटेज शॉर्टकट टोटल इनकम अप टू थ्री लैख डैश थ्री लैख वन टू फाइव लैक फाइव परसेंट टेन थाउजेंड फाइव लैख टू टेन लैख ट्वेंटी परसेंट वन लैख ट्वें थाउजेंड एंड अबव टेन लैख थर्टी परसेंट डैश क्या मैं इसी सीनियर सिटिजन कह सकता हूं फिर तीसरे वाले पार्ट में इंडिविजुअल रेसिडेंट और अबाव टोटल इनकम परसेंटेज शॉर्टकट ये आपके राइट right पेज में आ रहा होगा अभी देखो कुछ बच्चे इधर ऑनलाइन क्या बोलते सर पेज को हॉरिजॉन्टल करके करे तो करे समझ में आए होगा क्या बेटा जब मैं कह रहा हूं कि दो पेज यूज कर ले तो कर ले फिर उसमें को क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल करूँ क्या वर्टिकल करूँ क्या बराबर To five lakh dash, five lakh to ten lakh, twenty per cent that is one lakh, above ten lakh, thirty per cent dash. The first part of your chart complete. ये जो आपने डबल पेज बनाया है उसका फर्स्ट हाफ ऑफ द पेज इज कम्प्लीट आराम से लिखो भगना नहीं है सभी लोग एवरीबडी आप आगे बढ़ने बोलेंगे तो मैं बढ़ जाऊंगा आर यू डन नहीं आराम से करो फिर कोई तकलीफ नहीं है सर शॉर्टकट मतलब बेटा अभी मैंने लिखाया है पढ़ाया नहीं और जब तक मैं पूरा ना कह दूं कि ये कंप्लीट हो गए प्लीज होल्ड ऑन आपके जितने क्वेश्चन है ये मेरी जिम्मेदारी है जहां पे भी आप बैठे हो पूरे भारत में ये मेरी जिम्मेदारी है थोड़ा पेशेंस रख अभी तक के ऐसा कोई वर्ड है कि जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया लिखा हो नहीं रहा ना तो ये भी नहीं रहेगा सर कैन आई से सुपर सीनियर हा बोलो कोई तकलीफ बोलते ही उसको सुपर सीनियर है सुपर सीनियर सिटीजन डन बेटा करूंगा चालू इतना भी स्लो लिखने नहीं बोला था मैंने तुम तो ऐसा बहुत ज़्यादा

लिखा बेटा सभी ने चलो अब अगर आप चार्ट को देखेंगे अब अगर आप चार्ट को देखेंगे इसके फर्स्ट पार्ट को देखिए इसको प्रोपर टेबल बना अगर आप चार्ट को देखेंगे राइट इसके फर्स्ट पार्ट को तो क्या लिखा है बेटा इंडिविजुअल बिलो सिक्सटी इयर्स इंडिविजुअल बिलो सिक्सटी इयर्स नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल इटिव ऑफ एज इस्पेक्टिव ऑफ एज मतलब उसकी एज वन रहे या वन हंड्रेड रहे स्लैब वही रहेगा वन रहे या वन <coughs> हंड्रेड रहे स्लैब वही रहेगा तो देखिए इंडिविजुअल बिलो सिक्सटी नॉन रेसिडेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ एज एच यू एफ एओपी बीओ आई इन सभी के लिए अगर टोटल इनकम एक मिनट क्या वर्ड यूज उसके बेटा टोटल इनकम वी पे टैक्स ऑन चलो पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग करो टोटल इनकम से आई होगी टोटल हाँ, मतलब इनकम क्या लेस किया, किया होगा तो बना होगा ग्रॉस टोटल इनकम उसमें से डिडक्शन माइनस किया तो टोटल इनकम आया वी पे टैक्स ऑन इसलिए हम यहाँ पे टोटल इनकम कर रहे हैं समझ में टोटल इनकम हर महीने की बराबर ना साल भर की अगर किसी व्यक्ति की साल भर की इनकम टू लाख फिफ्टी थाउजेंड पर एन एम देर इज नो टैक्स नीड टू बी पेड दैट्स कॉल्ड स्लैब ये दो पचास कहां से आए क्यों आए इसके लॉजिक हमने डिस्कस कर लिए बराबर है तो दो लाख पचास हजार रुपए तक के साल भर पे आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है टैक्स की माफी दो लाख पचास हजार रुपए तक के है एज पर द ओल्ड स्कीम क्लियर है जहां आपकी इनकम दो लाख पचास हजार एक से लेके पांच लाख रुपए तक के रही सीधे शब्दों में अगर आपकी इनकम टू लाख फिफ्टी थाउजेंड टू फाइव लाख है टैक्स ब्रैकेट इज फाइव परसेंट ये सोनो अच्छा जी सर द टैक्स ब्रैकेट इज फाइव परसेंट ठीक है सर इसका टैक्स आपको पांच परसेंट रहेगा ओके कोई बात नहीं लेकिन क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स होता है या एच ई सी भी होता है अब समय आ गया है हम लोग एच ईसी पर डिस्कस करें। होता क्या हमें पता है क्या वॉट इज दी हेल्थ एंड एजुकेशन को यूज कर सकती है या सिर्फ स्पेसिफिक के लिए यूज़ हो सकता है प्रॉब्लम में बोला हो नहीं बोला एड करना पड़ेगा क्या इज एचईसी परसेंटेज ऑफ इनकम और परसेंटेज ऑफ टैक्स खत्म हुआ ऑन द लेफ्ट पेज नोट्स Note number one HEC is also added to tax at the rate of four percent. HEC is also added to tax. एट द रेट ऑफ फोर परसेंट तो आज हमने पहले हमने डिस्कस किया था एच होता क्या है आज हमने डिस्कस किया एच का परसेंटेज कितना है एच का परसेंटेज कितना बेटा फोर परसेंट ये तो अगर लेट से टैक्स रेट फाइव परसेंट है तो फाइव परसेंट का फोर परसेंट विल बी एच समझ में आ रही है बात समझेंगे कैसे कैलकुलेट करना है इन हर चीज पे एक एक एग्जाम्पल लेंगे अच्छा अब सोच करके देखिए

Yes or no? तो आपको, आपको नहीं लगता फॉर द पर्पस ऑफ इज ऑफ कैलकुलेशन यू नीड टू राउंड ऑफ सर्टेन थिंग्स और इनकम टैक्स ने दो सेक्शन लाए हैं राउंड ऑफ करने के लिए मतलब आपको एक राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन करना पड़ता है सो दैट इट विल बी एन ईज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन इनकम टैक्स बोलता है देखो मेरे को चिल्लर में कोई लेन नहीं है अगर ये चिल्लर आ रहा होगा ना तो आप एक काम करो राउंड ऑफ करके कैलकुलशन करो सो so दैट आप क्या होगा ईज ऑफ कैलकुलेशन हो जाएगा नहीं तो वो पैसे पैसे आता रहेगा और इनकम टैक्स को पैसे में इंटरेस्ट नहीं है रुपये में इंटरेस्ट है समझ में ही बात तो सेकेंड इज राउंड ऑफ सब समझते जाना और हर चीज पे एग्जाम्पल होगा आज ही होंगे पूरे दूसरा क्या है बेटा राउंड ऑफ राउंड ऑफ के लिए सेक्शन है 288 एटी एट ए टू एट बी टू एटी एट ए इनकम राउंड ऑफ की बात करता है जबकि 288 एटी भी टैक्स राउंड ऑफ की बात करता है बराबर है बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ रूपीज टेन बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ रूपीज टेन अब ये मल्टीपल ऑफ रूपीज टेन क्या होता है आपको तो मालूम है अपन एवरेज बच्चे पहली बार टैक्स पढ़ रहे सब कुछ पता होना चाहिए से यस यस अब ये राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ रुपीज टेन का मतलब होता है बेटा बड़ा सिंपल आप क्या करो सबसे पहले कोई भी फिगर मिले जब भी कोई भी फिगर पे दिखे उसकी लास्ट फिगर पे फोकस करो किस पे किस फिगर पे फोकस करोगे लास्ट फिगर तो जब भी आपको कोई दिखे उसकी लास्ट फिगर पे फोकस करो अगर लास्ट फिगर वन टू थ्री फोर तक की है तो आप इसे लोअर साइड राउंड ऑफ करो पांच या पांच से ऊपर है तो हायर साइड राउंड ऑफ करो अंडरस्टैंड एग्जाम्पल से समझते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं टू एट सेवन जीरो वन टू एट सेवन जीरो फाइव टू एट सेवन जीरो सेवन सपोज इनकम या टैक्स ये आए हैं या तो इनकम ये है या तो टैक्स ये है या तो दोनों भी ये है समझना अब इसको कैसे राउंड ऑफ करोगे आखिरी वाली फिगर पे फोकस करना कौन सी फिगर पे फोकस करोगे आखिरी आखिरी वाली फिगर अगर एक दो तीन या चार है तो लोअर साइड राउंड ऑफ पांच या पांच से ऊपर है तो हायर साइड राउंड ऑफ सीधे शब्दों में गेम अब मुझे बताइए राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा ये टू एट सेवन जीरो जीरो कितना हो जाएगा टू एट सेवन वन जीरो कितना हो जाएगा टू एट सेवन वन जीरो समझ में आ गया सभी को यस सर सर ऐसा नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे Section है भाई सेक्शन है करना पड़ेगा लॉ है लॉ ग्यारह बजे वाली चीज साढ़े सात बजे ये हुआ बेटा ये हुए आपके दो चीजें पहला हुआ टैक्स के साथ टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा राउंड ऑफ टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या बेटा राउंड ऑफ यस अब मैं आता हूं तीसरे नोट पे इस पे इस पेज जगह खाली है तो ठीक है नहीं तो आप आपका जो राइट साइड वाला पेज है उसको भी यूज कर सकते हो तीसरा चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था रिबेट अंडर सेक्शन एटी ए रिबेट अंडर सेक्शन एटी ए अब आप ये पूछेंगे सर रिबेट क्यों दिया रिबेट इज नथिंग बट डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स अब रिबेट देने की जरूरत क्या पड़ गई सोचना बेटा स्लैब रेट बढ़ा देते तो उसका तो बेनिफिट सलमान भाई को भी मिल जाता सलमान भाई बिलो सिक्सटी विजय सारडा बिलो सिक्सटी ढाई का पांच कर देते तो सलमान भाई को भी मिल जाता जिसको उनकी गरज नहीं है उनको क्या फर्क पड़ रहा है ढाई लाख या पांच लाख से पर विजय को तो बहुत फर्क पड़ रहा होगा ना आप समझ रहे हैं ना मेरे को तो बहुत फर्क पड़ रहा होगा तो रिबेट रिबेट का मतलब क्या होता है बेटा डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स रिबेट का मतलब क्या होता है बेटा डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स रिबेट की कुछ कंडीशन है लाइफ में हर एक को रिबेट नहीं मिलता जिसको जरूरत है उसको ही मिलता है कंडीशन क्या है कंडीशन नंबर पहला शुड बी इंडिविजुअल शुड बी इंडिविजुअल तो याद रखिए रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है पूछो ना क्यों भाई एक इंसान को घर बार बीवी बच्चों का खर्चा है एच यू एफ को का खर्चा है वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है को का खर्चा है वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब डिस्काउंट की जरूरत इंडिविजुअल को है बाकी सबको नहीं इसीलिए ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा दूसरी बात ही शुड बी रेसिडेंट ही शुड भी रेसिडेंट बताइए नॉन रेसिडेंट इंडिया से इनकम कमा के लेके जाएगा सच में उसको जरूरत है नहीं हमें भारतीयों को बेनिफिट देना है ही शुड भी रेसिडेंट टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल नॉर्मल प्लस स्पेशल एक्सक्लूडिंग एक्समट इनकम क्योंकि एग्जाम इनकम टोटल में आती नहीं डज नॉट एक्सीड फाइव लैख टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड फाइव लैख आपकी टोटल इनकम कितने से ऊपर नहीं जानी चाहिए फाइव लैख अंडरस्टैंड 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 दिस प्रैक्टिकली बहुत कोर कॉन्सेप्ट में जाओ रिबेट दिया क्यों क्योंकि लोग कह रहे थे महंगाई बढ़ गई हम टैक्स नहीं देंगे तो इंस्टेड ढाई लाख के स्लैब को पांच करने से बेटर क्योंकि उसका बेनिफिट किसको मिल जाता सलमान भाई को उन्होंने क्या किया जिसकी इनकम ही पांच लाख तक है के हम उसको रिबेट देंगे अब सलमान भाई को इसका बेनिफिट मिल पाएगा क्या नहीं पर विजय की इनकम सपोज पांच लाख तक है साल भर की क्या विजय को इसका बेनिफिट मिल पाएगा क्या समझ में आई बात जिसको जरूरत है उसको बेनिफिट दिया बराबर अब रिबेट कब मिलता है इफ द टोटल इनकम टोटल इनकम टोटल इनकम डस नॉट एक्सीड 5 लाख टोटल इनकम डस नॉट एक्सीड 5 लाख तो रिबेट मिलता नहीं तो रिबेट मिलता नहीं अब आप ये पूछेंगे सर रिबेट कितना है रिबेट इज इक्वल टू लोअर ऑफ ए हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स बी रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड रिबेट इज इक्वल टू लोअर ऑफ हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड रिबेट इज इक्वल टू लोअर ऑफ हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड बराबर एक लाइन हाल फिलहाल में लिख के रखिए समझ कुछ भी नहीं आएगा इस लाइन में बस लिख के रखिए रिबेट अंडर सेक्शन 87 सेवन ए इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड ट्वेल्व ए यह लाइन का मीनिंग मैं आपको अभी नहीं समझा पाऊंगा पर लिख के रख दीजिए अब थोड़े से और मैं चौरों सब्जेक्ट में समझ में आ जाएगा रिबेट अंडर सेक्शन हम अंडर सेक्शन को यू ऑब्लिक एस से लिखते हैं हैं लिख सकते हैं। अंडर सेक्शन एटी सेवन ए इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम एल टी सी जी दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए बराबर चलो

से दस लाख पे टैक्स कितना ट्वेंटी परसेंट और दस लाख के अभाव की किसी की इनकम है थर्टी परसेंट आप देख सकते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स रेट बढ़ रहा है डिनोटिंग द प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन डिनोटिंग द प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन ठीक है पर हम बचपन से ही जानते हैं अब दो दिन पुराना हमारा बचपन कि एच भी आएगा एच विल बी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट इनकम राउंड ऑफ नहीं होगी हम अकाउंट जैसी परी वाली दुनिया में नहीं है टोटल टैक्स तो को भी राउंड ऑफ करना है टू एटी एट ए टू एट बी आप देखिए हम बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में है, पर सेक्शन टू एटी एट पढ़ रहे तो इनकम टैक्स किधर से किधर रेंज कर रहा फिर हमने देखा

इधर सुनो यहां पे एच ई सी लिखा है एचईसी के ऊपर लिखो एग्जाम्पल वन पॉइंट वन एचईसी है एचईसी के ऊपर एग्जाम्पल लिखो वन पॉइंट वन और रिबेट है रिबेट के ऊपर एग्जाम्पल लिखो वन पॉइंट टू ताकि जब आप सेल्फ स्टडी करो आपको हर चीज पे एक 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 प्रॉब्लम पता हो कि ये प्रॉब्लम कौन सा है ये प्रॉब्लम कौन सा है ठीक है अब सीधा राइट right साइड वाले पेज पे जाना पेज पलटो लेफ्ट साइड खाली रहेगा नोट्स के लिए राइट right साइड वाले पेज पे जाएंगे एग्जाम्पल ऑन एच ई सी एंड रिबेट एग्जाम्पल नंबर वन ऑन एच ई सी एंड रिबेट सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट वन अस एसी इज नॉन रेसिडेंट टोटल इनकम जिसको हियर इन आफ्टर हम टी आई लिख देंगे टोटल इनकम फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड टोटल इनकम फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड इधर डालेंगे एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट टू पेज भी सेव करेंगे असेसी इंडिविजुअल रेसिडेंट टोटल इनकम फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड सबसे पहले ना जल्दी आगे बढ़ते हुए आप मुझे बताइए दोनों की इनकम चार पचास ही तो है क्या बदल जा रहा है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट मैं आर को लिख रहा हूं मतलब रेसिडेंट इसी को मैं एनआर लिख दू तो नॉन रेसिडेंट मैं बार बार इसके फुल फॉर्म नहीं बोल पाऊंगा ठीक है तो अगर एस एस आर है दैट इज रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है टैक्स में कोई फर्क पड़ जाएगा क्या क्या फर्क पड़ जाएगा पहले सिचुएशन में बताइए रिबेट मिलना चाहिए क्या क्यों और दूसरे सिचुएशन में रिबेट मिलना चाहिए क्या क्यों रेसिडेंट है और क्या टोटल इनकम भी पांच लाख से कम है ठीक है अब मुझे एक बात बताइए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है सबसे पहले टोटल इनकम फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड डिग्री है क्या मुझे राउंड ऑफ करने की जरूरत है क्या नहीं पक्की बात राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है ओके okay. अब मुझे बताइए टैक्स कितना होगा पहले कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए मेरे को सिर्फ रफ कैलकुलेशन बताइए लिखेंगे बाद में फॉर्मेट बाद में पहले ये बताइए रफली आपके हिसाब से टैक्स कितना आता है चार लाख पचास अगर मेरी टोटल इनकम है सर आपकी बुक में सेवन लाख लिखा है बेटा उसके ऊपर है ना ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम सेक्शन ये वो सब कुछ पढ़ो पढ़ो पहले थोड़ा सा ऐसा कुछ भी चीज़ मत देखो हाँ चलो मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूं पहले थोड़ा जीरो जीरो से जाएंगे ठीक है टेक ऑन कैलकुलेटर फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड बराबर है क्या पहले दो लाख पचास हजार तक टैक्स है क्या मतलब इसमें से दो पचास तो माइनस कर दो अगर आप टू फिफ्टी से फाइव तक की ब्रैकेट पे हो टैक्स रेट कितना परसेंट है फाइव परसेंट तो टू लाख इन टू फाइव परसेंट योर टैक्स कम्स टू टेन थाउजेंड समझ में आया क्या हो रहा है नहीं नहीं वापस से एक बार टोटल इनकम कितनी बोली है चार पचास इसमें से ढाई लाख तक के टैक्स कितना है जीरो स्लैब रेट पढ़ लो तो इसमें से ढाई लाख हटा दो क्योंकि उस, तो yes, उस पर स्लैब है समझ में ही बात साढ़े चार का दस परसेंट मत निकाल लेना साढ़े चार में से पहले ढाई हटा देना क्योंकि वहां तक के जीरो है स्लैब रेट और उसके ऊपर जो बैलेंस है उस पर पांच परसेंट है समझ में आया सभी को एवरीबॉडी पीछे समझ में आया बेटा सो चार पचास माइनस दो पचास इन टू पांच परसेंट कितना बेटा टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड क्या बना मेरा तेरा टैक्स तो देख अब क्या करेंगे टोटल इनकम चार पचास इसमें से माइनस करेंगे बेसिक एग्जामशन लिमिट बता भारत सरकार ने तेरे को कितनी अमाउंट तक के इनकम एग्जाम रखा है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड अब बैल नहीं लिखना बैलेंस ये बैल वेल सब कंसेप्ट अकाउंट्स में है मार्क्स कट जाते हैं इसके बैलेंस कितना टू लैख इस पे रेट परसेंट का है फाइव परसेंट तो तेरी टैक्स लाइबैलिटी कितने की हुई बेटा टू लैख इन टू फाइव परसेंट दैट टेन थाउजेंड रुपीज आराम से जाओ जल्दी नहीं है एक बार सीख लो फिर तुम कुछ स्पीड पकड़ लोगे पहली पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो दो लाख का कितना परसेंट बेटा पांच परसेंट एक मिनट हमने ये कहां से लाया एक्ट में दिया है स्लैब रेट है अच्छा टैक्स टेन थाउजेंड आ गया मेरा बच्चा सभी का बताइए अगर टैक्स टेन थाउजेंड है क्या रिबेट मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा अच्छा जी कौन है नॉन रेसिडेंट रिबेट मिलने वाला नहीं है तो इसमें से माइनस तो करें रिबेट क्शन एटी सेवन ए डैश फिर कितना बैलेंस बचा 10,000 थाउजेंड हाँ तो टैक्स कैलकुलेशन खत्म की कुछ बाकी है क्या बाकी है एड एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट मैं मेरे प्यारे बच्चे से पूछना चाहूँ चार परसेंट ऑफ फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड या चार्ड बस टेन थाउजेंड का चार परसेंट चार सौ रुपए टोटल टैक्स पेएबल टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है बहुत हार्ड है ना टैक्स पर मैं एक बात बताऊं अब देखो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप कैसे तुम ग्रो हुए बराबर है ना सब को समझ में आया बधाई हो आज के आपसे जीवन से टैक्स कैलकुलेशन शुरू हो गए जब तक आप मरते नहीं तब तक बराबर है इसकी शुरुआत हो गई आज से और आज बड़ा अच्छा दिन है राजे का जयंती है ये सो नो चलो आओ दूसरा ट्राई करेंगे मेरे साथ चलो बोलो अभी मैं क्या करूं मेरे को समझता नहीं इसके आगे क्या करना क्या माइनस करना बेसिक एग्जम्शन लिमिट बेसिक एग्जम्शन कितना माइनस किया बच्चा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो बैलेंस कितना बचा बच्चा टू लैक्स ,00 अब टू लैक्स ,00 पे मेरा टैक्स रेट कितना परसेंट है फाइव परसेंट तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी टेन थाउजेंड टैक्स में से डिस्काउंट मिलता है मतलब क्या माइनस करना पड़ेगा रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए क्या इंडिविजुअल है चलो कंडीशन देखो सारी की सारी क्या अससी इंडिविजुअल है क्या अससी रेसिडेंट है बराबर बर है क्या टोटल इनकम लेस देन पांच लाख है क्या रिबेट मिलेगा क्या रिबेट मिलेगा यस yes. रिबेट मिलेगा रिबेट कितना है बेटा लोअर ऑफ हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स बोलो टैक्स कितना निकला टेन थाउजेंड हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स टेन थाउजेंड या बी या बी रुपीज बारह हजार पांच सौ विच एवर इज लोअर बताओ दोनों में से क्या लू अब मेरा टैक्सी क्या हो गया जीरो। तो ऑब्वियसली मेरा एच ई सी भी क्या हो जाएगा जीरो। तो आपका टैक्स पेबल क्या बनेगा बेटा नील तो आपका टैक्स पेबल क्या बना बेटा नील आजू बाजू के कैलकुलेशन देखिए दोनों में फर्क है एक में ऐसा रेसिडेंट है एक में ऐसा नॉन रेसिडेंट है इसीलिए सेम इनकम पे भी आंसर अलग अलग आया क्या सीखने को मिला सी पे डिपेंड करेगा टोटल टैक्स पेबल कैसा होगा समझ में आया क्या पर ये तो मैंने सॉल्व किया है ना आप भी तो कुछ करोगे जीवन में मैंने क्या कहा था तुम एक मांगोगे मैं तीन प्रॉब्लम देगा चल 1.3 जस्ट फॉर यू 1.3 एक बात क्लियर रख ले अगर मैंने कुछ नहीं कहा ज्यूम अस एसी इंडिविजुअल बिलो सिक्सटी अगर मैंने कुछ नहीं कहा ये कॉमन एजम्शन है जो मॉड्यूल यूज करता है अगर मैंने कुछ नहीं कहा असएसी है इंडिविजुअल है बिलो सिक्सटी है काम खत्म ठीक है बट फिर भी मैं तेरे को लिख के दे रहा हूं अस एसी कौन है इंडिविजुअल रेसिडेंट और सपोज करके चल उसकी टोटल इनकम है पांच लाख मेरे को टैक्स निकाल के दिखा फटाक से वेन आई से टैक्स आई मीन सीधा फाइनल आंसर पूरा सॉल्व करो अच्छे से थोड़ा ना स्केल वेल यूज करो जरा पर्टिकुलर और रूपीज को अलग अलग करने के लिए बाद में तुमको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है एक एक वर्ड लिखो मेरे को जल्दी आंसर की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना हम आराम से स्लो जाएंगे और अच्छे से जाएंगे स्लो स्टडी एंड विंस द रेस बेल बेल मत यूज करो बैलेंस आज जो प्रैक्टिस लग जाएगी लग जाएगी रिबेट सही तरीके से निकाल रिबेट में गलती की है तूने समझा क्या गलती क्या की है रिबेट में गलती की है हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स तूने ये के टैक्स गलत निकाला है देखो ला चलो छोड़ो तुमसे ना हो पाएगा अरे छोड़ो ना हो पाएगा तुमसे हो गया एंड टैक्स इज़ है क्या जीरो सच्ची देखो अब भी कैलकुलेट करता हूँ एक मिनट आपने से इसमें से क्या माइनस किया बेटा बेसिक एग्जाम ठीक है इसमें से दो पचास मैंने हटा दिए बैलेंस बचा होगा जीवन के अंदर में टू लैक फिफ्टी थाउजेंड बैलेंस कितना बचा होगा टू फिफ्टी इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का है बेटा फाइव परसेंट तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी कितना हुआ स्टॉप हाउ शॉर्टकट कटराइज ये शॉर्टकट मैंने लिख के क्यों दिया है ताकि एग्जाम में स्पीड आ सके दिमाग को सेट करो कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर पांच लाख पांच लाख की इनकम इसमें से पहले ढाई लाख तक के टैक्स नहीं है बचे कितने ढाई लाख ढाई लाख पे पांच परसेंट बारह हजार पाँच सौ दिमाग में सेट करके रख लो पांच लाख रुपए तक का टैक्स कितना आएगा बारह हजार पाँच सौ समझ में आई बात कहीं से आया शॉर्टकट समझ में आया नहीं नहीं एक और बार मेरे को अपने आप को समझाना है विजय कैलकुलेटर पे पांच लाख ले लाख में से ढाई लाख तक के तो टैक्स जीरो ही है जो बचे है उसके ऊपर गई पांच लाख तक के तो टैक्स कितना आएगा बारह हजार पांच सौ समझ में आई बात ये शॉर्टकट एग्जाम में एक झटके में तुम्हारे दो कैलकुलेशन को स्टॉप कर देगा एग्जाम का एक मिनट भी अगर बचता है तो तुम्हारे को कहीं और लिखने का काम आएगा ठीक अब सुनो टैक्स लाइबिलिटी बेटा बारह हजार पांच सौ क्या चलो रिबेट की कंडीशन पढ़ते हैं क्या इंडिविजुअल है है क्या है? क्या टोटल इनकम नॉट एक्सीड फाइव लैक है डॉक्सीड लैक तो क्या रिबेट मिलेगा क्या रिबेट मिलेगा एटी सेवन ए पूरा बारह हजार पांच सो देट इज हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड लोअर इज़ लोअर दोनों ही में, दोनों ही लोअर रहेंगे तो आपका टैक्स कितना तो टैक्स क्या आएगा बेटा अब सुन 2019 से लोग क्या मांग रहे थे स्लैब बढ़ाओ स्लैब बढ़ाओ स्लैब बढ़ाओ महंगाई बढ़ रही है तकनीकी तौर पे कहूं एक इंडिविजुअल रेसिडेंट जो पांच लाख से ऊपर नहीं कमा भारत में उसको टैक्स ही नहीं देना पर कहते वक्त क्या कहते हैं बेसिक स्लैब कितना है ढाई लाख एडिशनली क्या मिलता है रिबेट समझ में आ रही है बात पर तकनीकी तौर पे पांच लाख तक के टैक्स नहीं देना होता पांच लाख तक के टैक्स नहीं देना होता ये समझ में आया सभी को पक्का <coughs> चलो ऐसे कैसे समझा बोलो नहीं समझा वापस से आएंगे स्लैब रेट में टू लाख फिफ्टी थाउजेंड तक के नील ये क्लियर है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड से फाइव लाख ,00 तक फाइव परसेंट कितना आ रहा है? यानी जहां इनकम पांच लाख के ऊपर गई तक का टैक्स आपके दिमाग में सेट है, जहां से ज्यादा कमा रखे तू देश मेंसेंट okay, याद रखिएगा जैसे ही सीए बनोगे ना तुम सीधा बीस परसेंट के ब्रैकेट में आओगे समझना है तुम सीधा किस ब्रैकेट में आओगे? 20% without any क्योंकि से कर गई? वालों को आईसीआई नहीं बुलाता आईसीआई बुलाता इतनी आईसीआई बोलता मिनिमम नौ लाख देने आऊंगा तो इधर आने का हमारे बच्चों को लेने का नहीं तो आने का इतनी नौ लाख से तुम बेसिक पैकेज में चालू करोगे बराबर है अगर तुम मान करके चलो रैंक में आ गए या किसी सब्जेक्ट में एग्जामिशन है और उसी फील्ड में जा रहे हो तो तुम ऑटोमेटिकली ही तीस परसेंट से करोगे ऑटोमेटिकली ही कितने परसेंट से करोगे तीस परसेंट तो जहां लोग पहले मजे करके बाद में पांच परसेंट पे आएंगे तुम आज मजे को रोक करके सीधा तीस परसेंट पे जाओगे तो ये मेहनत करना वर्थ है है ना और मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करो तुम सीधा सरचार्ज में जाओगे समझ में आ रही बात। समझ में में आ आ रही रही बात? बात? है ना? फिर तुम इतना दिमाग नहीं लगाओगे तो ये होता है ये पर्सनली बता रहा हूं मैं आपको ये होता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको अटेम्प्ट लगाए या नहीं लगाया मेरा बात समझना जिसके तुम पढ़ रहे हो उसको तीन लगे

वो उसको बताएगा जो दिन में तीन बार टैक्स पढ़ा रहा फाइनल इंटर पे <laughs> पर तुम ये देख रहे झंडू के साथ मेरा वाइब मैच कर रहा क्या ये जो बोल रहा ये इधर इधर की जगह जा रहा क्या पहले इधर जाने को मांगता फिर इधर आने को मांगता <laughs> बराबर है या नहीं है अपन सब एवरेज बच्चे ऐसे बात बताना बात इससे नहीं होती बात होती स्किल से क्या ये आदमी तेरे को वो तक पहुंचा दे रहा है क्या क्लाइंट के लिए ना एक चीज इंपॉर्टेंट है अगर तू रैंक में है पर उसका सोल्यूशन नहीं दे सकता थ इट और तू चार फ होके आया है, तेरे को पता है जुगाड़ क्या होता है तू उसके लिए रैंक करे क्लाइंट को तेरे रैंक से मतलब नहीं है क्लाइंट को मतलब है आर यू गिविंग अ सोल्यूशन इसलिए वी ऑलवेज से अपग्रेड योर स्किल्स अपग्रेड योर नॉलेज अपग्रेड योर कॉन्सेप्ट इट्स ओके यू अचीव अ रैंक दैट्स योर थिंग यू हैव वॉन्ट इट समझ में बात? ये तुमको edge जरूर देगा higher package लेने के लिए. पर फिर भी अगर तुम्हें काम नहीं आता, ये knowledge नहीं है तो तुम वापस पे आ जाओगे. समझ में आई बात? चलो focus मालिक. ये क्लियर है तो पांच लाख के ऊपर दस लाख तक कितने परसेंट बेटा ट्वेंटी परसेंट पर आपको तो पता है मैं कैसा बचाऊ बेटा एवरेज तो लो बेटा पांच से दस पे फिर एक, 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 एक ले लेते नंबर टू आओ इधर पांच से दस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल नंबर टू इधर लिखो जहां जहां लिखा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ जब सेल्फ स्टडी करोगे ना इतना धन्यवाद दोगे मेरे को कि क्या चीज बना के है आ जाओ फिर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल पे आ जाओ आगे के पेज पे आए हम एग्जाम्पल टैक्स विदाउट रिबेट एग्जाम्पल नंबर टू टैक्स विदाउट रिबेट सपोज करके चलो मेरी टोटल इनकम आ रही है नाइन लैख एटी टू थाउजेंड एट जीरो सिक्स बराबर है ना यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए भी लिख के रखो टू पॉइंट टू टोटल इनकम नाइन लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन नाइन्टी नाइन ये तुम करोगे पहला वाला दोनों मिलके करते हैं दूसरा वाला सिर्फ तुम करना ठीक क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम में कुछ दिया नहीं क्या जूम करूं इंडिविजुअल बिलो सिक्सटी रेसिडेंट अज्यूम करूं नॉन रेसिडेंट अज्यूम करूं रेसिडेंट अज्यूम करूंगा ये क्लियर अजम्शन है मतलब इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहता मॉड्यूल भी ऐसे सॉल्व करता है तो कैसे शुरुआत करूं कुछ समझ नहीं आ रहा पहले क्या करना पड़ेगा पिछले प्रॉब्लम में तो ऐसा नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी राउंडेड ऑफ थी तो यहां अब सबसे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा राउंड ऑफ काश मुझे पता होता कैसे करते हैं कहे पे फोकस करूँ लास्ट फिगर पे लास्ट फिगर क्या दिख रही है तो क्या मेरा आंसर नाइन एट टू एट वन जीरो हो सकता है अब जैसे निकालते हो वैसे निकाल सकते हो पर अब सुनना मुन्ना जरा सुनना नौ लाख रुपए है एक मिनट लगा के जरा शॉर्टकट लगा ले पांच लाख तक के टैक्स पता है क्या तेरे को कितना आना है कितना आना है बारह हजार पांच सौ यस यानी बात समझ सुन मैं पहले लॉन्ग कट निकालता हूँ मैं लॉन्ग कट से सॉल्व करता हूँ अप टू टू लैक फिफ्टी थाउजेंड नएगा नेक्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पे पांच परसेंट आएगा दैट्स बारह हजार सौ और जो भी बैलेंस बच गया उस पे कितना परसेंट आएगा ट्वेंटी तो नाइन एट टू एट वन जीरो माइनस फाइव लैख इंटू ट्वेंटी परसेंट दैट्स नाइन सिक्स फाइव सिक्स टू चेक कर लेना तो टोटल टैक्स कितना आ रहा है बच्चा वन जीरो नाइन जीरो सिक्स टू देख लो कोई डाउट है तो पहले ढाई लाख रुपए तक के नील नेक्स्ट ढाई लाख रुपए पे बारह हजार पांच सौ फिर जितना बैलेंस बचा हम पांच से दस लाख के स्लैब में हैं कितना परसेंट बेटा ट्वेंटी परसेंट बराबर है ना अरे हाँ या ना? इज इट वन जीरो नाइन जीरो सिक्स टू ये तो हो गया टैक्स अब क्या करूं अब क्या करूं क्या रिबेट मिलेगा अरे दे दो ना प्लीज दे दो ना क्या तकलीफ है इनकम एक्सीड फाइव लैख तो टैक्स पे सीधा सीधा रिबेट निकालू क्या फोर थ्री सिक्स टू सर आपने एच को राउंड ऑफ क्यों नहीं किया टैक्स को क्यों राउंड ऑफ नहीं किया टोटल टैक्स राउंड ऑफ होता है फाइनल आंसर टोटल टैक्स राउंड ऑफ होता है फाइनल आंसर ले टैक्स प्लस एचईसी क्या निकल गया वन लैख थर्टीन थाउजेंड फोर ट्वेंटी फोर एवरीबडी आर यू गेटिंग दिस हाँ तो प्रॉब्लम खत्म खत्म क्या करना है बेटा राउंड ऑफ आखिरी फिगर पे फोकस करो आखिरी फिगर अगर अप टू चार है लोअर साइड राउंड ऑफ देखो इधर नाइन लाख एटी टू थाउजेंड एट वन टेन मेरी टोटल इनकम थी पहले ढाई लाख तक के टैक्स कितना आना है जीरो ढाई से पांच कितना परसेंट आना है बेटा पांच परसेंट यस तो नेक्स्ट ढाई लाख पे पांच परसेंट मेरी टोटल इनकम कहां तक पहुंच गई पांच लाख पांच लाख तक टेक् कैश कितना है बेटा बारह हजार पांच सौ इसके बाद की जो भी बैलेंस इनकम बची आप किस स्लैब में है दस लाख तक के स्लैब में जो भी बची कितना परसेंट बेटा ट्वेंटी परसेंट एक तरीका इसको करने का ये है ये है लॉन्ग कट आप इसी चीज को शॉर्टकट भी कर सकते हैं और इसी चीज को यूजिंग शॉर्टकट कर सकते हैं देखो कैसे यूजिंग शॉर्टकट आपकी टोटल इनकम कितनी थी बेटा नाइन एट टू एट वन जीरो कॉलम बनाना और इधर टैक्स का कॉलम बनाना यहां पे लिखना अप टू एन इनकम फाइव लैख बताओ पांच लाख तक के तुमको टैक्स पता है क्या बेटा बारह हजार पाँच सौ बैलेंस कितना बचा फोर एट टू एट वन जीरो इस पर सीधा टैक्स रेट कितना लगाओगे बेटा ट्वेंटी परसेंट फोर एट टू एट वन जीरो पॉइंट ट्वेंटी कितना आ रहा है बोलो बेटा नाइन सिक्स फाइव सिक्स टू ले बेटा यहीं तेरा टोटल टैक्स आ गया बारह हज़ार पाँच सौ ट्वेल्व थाउजेंड नाइन सिक्स फाइव सिक्स टू is your answer coming the same obviously you are learning the same thing into 4% 4362 आपका टोटल टैक्स आ गया वन वन थ्री फोर टू फोर और इसको अंत में क्या कर देना बेटा राउंड ऑफ वन वन थ्री फोर टू जीरो देख लीजिए एक की चीज को करने के दो मेथड है शॉर्टकट सिर्फ आपका सीधा सीधा टाइम सेव कर लेगा क्योंकि पांच लाख तक के टैक्स आपके दिमाग में आएगा ही आएगा एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क ऐसा क्यों किया जी बच्चे लॉन्ग कट फिर से एक बार समझा दू इधर सुनो स्लैब रेट को फिर से पढ़ो जाओ एक मिनट सभी लोग जिसको ये डाउट नहीं भी है वो भी जाओ हम स्लैब रेट पढ़ रहे अप टू सर्टन थिंग डैश फिर सर्टन थिंग डैश फिर सर्टन थिंग डैश पक्की बात अप लाख तक के जीरो एक-एक वर्ड समझना अप लाख तक के जीरो इधर आओ पहले ढाई लाख तक के टैक्स क्या रहेगा जीरो बराबर है ढाई लाख से ऊपर पांच लाख तक आप क्या गलती करना चाह रहे हो नाइन एटी टू एट वन जीरो सीधा बीस परसेंट लगा रहे हो ये आपकी गलती है मैंने कहा स्लैब रेट है ये ये फिर this, this rate. तुम्हारा अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा वो इस वजह से है इतना यहां तक के इतना यहां तक के इतना समझ में आ रही बात इसलिए आपका आंसर मैच नहीं कर रहा अब पांच लाख तक के आपकी इनकम ढाई लाख से ऊपर पांच लाख तक ब्रैकेट कितना है ढाई लाख से पांच लाख ब्रैकेट कितना है ढाई लाख इस ढाई लाख पे कितना परसेंट होना चाहिए पांच परसेंट क्योंकि पहले ढाई तक के तो क्या था जीरो नेक्स्ट पे कित्ता नेक्स पे कितना कितना है ये ले नेक्स्ट बेटा अब अगर तू देखे तेरा कंबाइंड इनकम कहां तक पहुंच गया पांच लाख पांच लाख तक के टैक्स का शॉर्टकट कितना है बेटा बारह हजार पांच सौ अब इसके ऊपर जितना बचा अप टू अ टोटल इनकम ऑफ टेन लैक्स टैक्स रेट कितना परसेंट है बीस परसेंट तो जो भी मेरा बैलेंस इनकम बचा इस पे कितना बेटा बेटा समझ में आया बिटा? तुम डायरेक्ट लगा रहे हो इसलिए नहीं आ रहा तुमको पहले ढाई पे अलग फिर ढाई पे अलग फिर बैलेंस पे अलग लगाना है अब ये चीज कर लो ये हो गया लॉन्ग कट या इसी चीज को शॉर्टकट में कर लो टोटल इनकम पकड़ो पांच लाख तक के टैक्स तुम्हारे दिमाग में सेट है ऑलरेडी पांच लाख तक के टैक्स बारह हजार पांच सौ बाहर निकाल दो जो बचा उस पर बीस परसेंट मारो सीधा बाहर निकाल दो आपका फाइनल टैक्स आ गया सर मैंने कौन सा मेथड यूज करना चाहिए जो इजी लगे वो जो तेरे को दोनों में से समझ में आए वो हम तो दोनों से सॉल्व कर सकते हैं यस चलो ट्राई करो नाइन लैख नाइनटी नाइन थाउजेंड नाइन नाइनटी नाइन मेरे को एक एक स्टेप बताओ आपके सॉल्व करने के बाद मैं हाथ लगाता हूं जल्दी से बताइए पहला स्टेप क्या होना चाहिए राउंड ऑफ क्या राउंड ऑफ करके टोटल इनकम आएगा तो मेरी टोटल इनकम राउंड ऑफ हो जाएगी टेन लाख रुपीस ठीक है पहले लॉन्ग कट से सॉल्व करते हैं अगर मेरी इनकम टेन लाख है ठीक है अपटू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टैक्स कितना आएगा बेटा बोलो बोलो टैक्स कितना आएगा नील नेक्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड कितना होगा बेटा 5% 12500 अच्छा सीधा 10 लाख पे 20% लगा दूं क्या नहीं।, नहीं लगा सकता स्लैब रेट है बराबर है अब जितना नेक्स्ट बचा अब नेक्स्ट कितना बचा 5 लाख 5 लाख पे कितना परसेंट बेटा 20% इज इट 1 लाख तो टोटल टैक्स देखिए एक लाख 12500 आ रहा है क्या पेज पलटना शॉर्टकट में देखना दस लाख तक के टैक्स कितना है? कैसे आया ये समझ में आया क्या वही शॉर्टकट के लिए दिमाग में सेट करके रखो ना लाख पांच सौ दस लाख तक, तक के टैक्स कितना एक लाख बारह हजार पांच सौ ऐसे आया है वो अभी भी किसी को नहीं समझा प्लीज पूछो पहले ढाई लाख हम स्लैब रेट पढ़ रहे तुम बेसिक गलती क्या कर रहे हो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं तुम बेसिक गलती कर रहे हो दस लाख पे सीधा बीस परसेंट मारने की जो नहीं हो सकता पहले ढाई पे अलग निकालना है फिर ढाई पे अलग निकालना है फिर पांच पे अलग निकालना है आप समझो कैटेगरी वाइज चेंज हो रहा है हम्म ये निकला बेटा तुम्हारा टैक्स अब बोलो रिबेट मिलेगा क्या क्यों नहीं मिलेगा इनकम एक्सीड फाइव लैख एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट एक लाख बारह हजार चार सौ पांच परसेंट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मेरा टोटल टैक्स कितना बनेगा वन लाख सेवेंटीन थाउजेंड इसी को शॉर्टकट से कर सकते हो क्या बताओ कैसे करोगे इधर देखो और इसी चीज को अगर शॉर्टकट से करना चाहो अब तुमको सिर्फ एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स यहाँ लिखो रुपीस यहां लिखो टैक्स तुम्हारी टोटल इनकम राउंड ऑफ कितनी हुई टेन लैक्स बराबर है इस पे सीधा सीधा टैक्स अप टू रुपीज टेन लाख की तुमको पता है क्या कितना बेटा एक लाख बारह हज़ार पांच सौ इस पे सीधा एच ई सी एड कर दो एट द रेट ऑफ फोर परसेंट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तुम्हारा टोटल टैक्स आ जाएगा कितना बेटा वन लाख सेवेंटीन थाउजेंड यूज़ कौन सा करना है तुम्हारे ऊपर है सर दोनों मेथड एग्जाम में, में लिखनी है क्या ये सवाल हो सकता है तुम्हारा दोनों में से कोई भी एक जो बेटर समझ में आए मेरे हिसाब से तो शॉर्टकट ज़्यादा बेटर है यस हाँ जी टोटल इनकम राउंड ऑफ करने पे देखते हैं जैसे पांच लाख एक होगा तो राउंड ऑफ होके कितना आ रहा है पांच लाख आप उसको रिबेट दे, दे देते हो मेरे को और प्रॉब्लम आपको देने हैं सॉल्व करोगे क्या ठीक है और थोड़ा सा डीप में चलते सिर्फ टू पॉइंट समथिंग ही चालू रखना इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जांपल नंबर टू पॉइंट थ्री एंड टू पॉइंट फोर दोनों तुम ही सॉल्व करोगे ठीक है सपोज़ कर लो तुम्हारा टोटल इनकम आ रहा है सपोज़ कर लो तुम्हारा टोटल इनकम आ रहा है एट लैख सिक्सटी थाउजेंड बराबर है चलो एट लैक सिक्सटी थाउजेंड या गया रुपीज़ या गया टैक्स निकालो और यहाँ तुम्हारे टोटल इनकम को रखते हैं नाइन लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव फोर्टी फोर आ गया रुपीस या आ गया टैक्स ऑप्शन तुम्हारा मेरे हिसाब से तो सीधा शॉर्टकट यूज कर डालो या अप टू टू फिर नेक्स्ट टू पॉइंट फिफ्टी फिर नेक्स्ट फाइव तुमको जो तरीका सही लग रहा है वो कर लो मेरे हिसाब से शॉर्टकट ज्यादा बेटर है इनकम टैक्स को निकालने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका दिया नहीं है कि पहले ऐसे निकालो फिर ऐसे निकालो आपकी मर्ज़ी इसमें से आप 250 फिफ्टी माइन तो देख बेटा इस एट सिक्सटी में से ये सिर्फ इन तो सिर्फ बेसिक एग्जामिशन माइनस कर सकती है तो इसको ऐसे बना इसमें से 250 फिफ्टी पे टैक्स क्या आएगा नील देखो टू एट सिक्सटी तक के पूरा पहुँचना है तो नेक्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पर कितना परसेंट होगा बेटा फाइव परसेंट देट वुड बी ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अभी एट सिक्सटी बना क्या तेरा टोटल नहीं तेरा टोटल अब तक कितना आया पाँच लाख बैलेंस कितना बचा थ्री पॉइंट सिक्स इस पे कितना परसेंट बेटा ट्वेंटी परसेंट स्लैब है इधर समझ में आ रहा है बच्चा सबको पक्का क्या बोले बेटा टू पॉइंट फोर का है नाइन फिफ्टी फोर नाइन नहीं एक मिनट मिनटों मेरे को ही नहीं दिख रहा ऐसा नाइन फिफ्टी फोर फाइव फोर्टी फोर ऐसी एक बात बताऊं ब्रेक का टाइम हो गया और आपको पता नहीं चला ट्राई करो कोई तकलीफ नहीं ऐसा पॉसिबल है जब पहली पहली बार करो नहीं आए पर ट्राई करो गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है पर आप कहीं पीछे नहीं रह रहे हो क्या है एक दो बार गलती करोगे तो तुम्हें समझ आएगा गड़बड़ कहाँ हो रही है पर तुम से बैठे रहोगे मास्टर ही सॉल्व कर लेगा तो तुम सीख नहीं पाओगे बस ऐसी गड़बड़ मत करना कि डायरेक्ट 860 पे पूरा 20 परसेंट लगा दो ना हम स्लैब रेट में हैं हम है ये, ये ये वाला बोल रहा ना सेकंड अरे अरे सब नहीं समझ में एक मिनट मेरा बच्चा अरे छोड़ो तुमसे ना हो पाएगा अरे फोर फाइव फोर अब ठीक है बच्चे मेरे से थोड़ा लिखने में गड़बड़े है ना लड़ो थोड़ा लड़ो इतने आसानी से हो जाता तो चार के जगह चालीस लाख होते चार्ट अकाउंटेंट इतने ही आसानी से हो जाता तो अब सोचो जो बिचारे सिलेबस को लेके भग रहे होंगे विदाउट सॉल्विंग उनकी क्या बैंड बजेगी <laughs> उनको बिचारों को जब तक समझ में आएगा कि एक एक एक, एक कितना पार्ट है देख सॉल्विंग से होगा रिविजन से नहीं देखो पहले रेगुलर सॉल्विंग जमनी चाहिए इट्स ओके okay, नहीं भी जम रहा है तो ओके मल्टीपल टाइम देखो तो होगा इसलिए इतने प्रॉब्लम है इसलिए मैंने आपको कमिट करके रखा है मोर देन थ्री हंड्रेड प्रॉब्लम लेंगे हम मैंने कहा प्रॉब्लम्स लेंगे ये एग्जांपल है प्रॉब्लम में काउंट नहीं होते है ना प्रॉब्लम अलग है इसके अलावा तीन सौ और ट्राई क्या मैं पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है 880? चलो ट्राई करते हैं कैसे मैं पहले शॉर्टकट सीधा यूज कर दे रहा हूं एट लाख सिक्स में से क्या मेरे बच्चे को पता है इसके आसपास की लिमिट कौन सी है पांच लाख दस लाख वाली लिमिट नहीं लगा सकते क्योंकि इनकम ही नहीं जा रही पर पांच लाख तक यहां बैठे भारत के हर बच्चे को पता है टैक्स कितना आने आने वाला है? आ, आने वाला है तो है कितना इस पे टैक्स आया बारह हजार पांच सौ अब जितनी मेरी बैलेंस इनकम बची मेरी बैलेंस इनकम कितनी बची थ्री लैख सिक्स थाउजेंड एवरीबर्डी बड्डी इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का लगाऊं बेटा ट्वेंटी बिकॉज आई एम बिलो द टेन लाख लिमिट बट अब दैख लिमिट सो थ्री लैख सिक्स इन टू ट्वेंटी परसेंट इज इट्स सेवेंटी टू थाउजेंड तो पहले का पांच लाख तक का टैक्स प्लस बैलेंस का टैक्स दोनों को मिला दो इन दोनों का संगम कर दो क्या ये एटी फोर फाइव हंड्रेड आ रहा है अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में सर रिबेट दो ना सर पांच लाख तक की तो रिबेट दे दो ना रिबेट तब मिलता है जब टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड फाइल है यहाँ पे तो इनकम एक्सीड कर गई तो आप ऐसा नहीं बोल सकते पांच लाख तक के रिबेट दे दो हम्म इनटू चार परसेंट एडी इनटू फाइव हंड्रेड इंटू चार परसेंट हाउ मेनी पीपल गॉट द राइट आंसर फाइनल आंसर इज एट सेवन डबल एट जीरो ठीक है हाउ मेनी पीपल कुड नॉट डू इट वो मेरे काम के एक उठा हुआ कोई तकलीफ नहीं ऐसा मत हो बहुत से लोगों को नहीं जमता ऐसा कुछ नहीं होता है एम्बेरसमेंट वाली कोई बात नहीं ठीक है ये अब समझ में आया तुम गड़बड़ कहां कर रहे थे पक्की बात समझ में आया गड़बड़ कहां कर रहे थे अच्छा मैं राउंड ऑफ कर देता हूं है ना हा, हाँ प्लीज़ 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 करने दो ना अरे प्लीज़ करने दो ना और ब्रेक तब तक नहीं होगा तब तक के पूरे क्लास का एक एक बच्चा सॉल्व ना कर ले और तीन प्रॉब्लम होंगे और कोई ब्रेक में नहीं जाएगा रेडी हो कमिटेड हो कोई ब्रेक नहीं दूंगा मेरे को पूरा आंसर चाहिए हाँ। अब 2.4 जिसको नहीं जमा सिर्फ वो बच्चा जवाब देगा जिसको नहीं जमा पहला स्टेप क्या होना चाहिए यहां पे पहला स्टेप क्या होना चाहिए राउंड ऑफ राउंड ऑफ चल राउंड ऑफ कर नाइन फाइव फोर फाइव फोर जीरो एवरीबॉडी लास्ट फिगर अप टू चार तक के तो लोअर साइड राउंड ऑफ भारत का पूरा बच्चा भारत का बच्चा बच्चा सुन रहे हो क्या यस yes. बताइए क्या मुझे पता है मेरी डैश इनकम तक के टैक्स डैश होने वाला है कितना होने वाला है बेटा पांच लाख तक बारह हजार पांच सौ तो इनकम अप टू फाइव लाख ये टैक्स आया बारह हजार पांच सो? हमारी कितनी इनकम बैलेंस में बच गई शेष बच गई फोर फाइव फोर फाइव फोर जीरो इस पे टैक्स रेट क्योंकि मैं पांच से दस के ब्रैकेट में हूं ट्वेंटी परसेंट सो फोर फाइव फोर फाइव फोर जीरो इंटू ट्वेंटी परसेंट कितना आ रहा है ब्रो नाइन जीरो नाइन जीरो एट एवरी पार्टी मेरी टैक्स लाइबेलिटी कितनी आएगी वन लैक थ्री थाउजेंड फोर जीरो एट सर आप इन हर फिकर को राउंड ऑफ क्यों नहीं कर रहे हो टोटल टैक्स राउंड ऑफ होता है दीदी एच ई सी एट द रेट ऑफ सर रिबेट क्यों नहीं दे रहे हैं सर रिबेट क्यों नहीं दे रहे हैं बिकॉज टोटल इनकम क्या मेरा बच्चा टोटल टैक्स भी राउंड ऑफ हो रहा है वन जीरो सेवन फाइव फोर जीरो सबको समझ में आया क्या मेरे को नहीं समझा तुमको पक्का समझा अगले दो प्रॉब्लम पहले मेरे को समझाओ तो मेरे को समझेगा कि तुमको समझेगा तो मेरे को समझेगा कि ब्रेक देना चाहिए याद रखें मैंने कहा तीन सौ प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा इसमें एग्जाम्पल नंबर्स काउंट नहीं होते <laughs> आप समझ गए मेरी बात को और किसी को बताना नहीं हमने कितने सॉल्व किए एग्ज़ाम्पल नंबर टू पॉइंट फाइव एग्ज़ाम्पल नंबर टू पॉइंट सिक्स जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं टोटल इनकम शेवन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड सिक्स एटी टू सेवन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड सिक्स एटी टू फिर आता है एक और टोटल इनकम नाइन लैख एटी टू थाउजेंड एट एटी एट मुस्कुराइए आप अकाउंट्स में नहीं है नहीं तो सब राउंड ऑफ करके मिलता चल एक बच्चे का भी गलत हुआ दो प्रॉब्लम और दूंगा पहली ही कंडीशन बता दू और ब्रेक मिलेगा नहीं दबा के रखना पड़ेगा पेन का निब ताकि और सॉल्व कर सको ऐसे कैसे नहीं होगा मेरे को सीधे फाइनल आंसर चाहिए एक एक वर्ड करो बच्चे का इसी बंद करो ठीक है कर लो मेरे को लगा डाउट पूछेंगे छोड़ो तुमसे ना हो पाएगा आई पूरे वर्ड लिख रही लड़की ये बेल बेल क्या होता है बे बेल बेल बी एल बैलेंस लिखो ना इधर जम रहा है बेटा गुड गुड शानदार बता तो क्या होना चाहिए 90 ही आएगा अरे छोड़ो तुमसे ना हो पाएगा इतना पॉइंट फौर्टी फौर्टी फौर्ट पे नहीं लाते रे हम्म कर 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 सॉल्व कर मैं सीख रहा हूं इसके लिए अच्छा ऐसा लिखेंगे हम्म वेलकम टू सी एंटर सिंगम हर कैलकुलेशन में तीन बार आदमी खुद ही दिमाग लगाना चालू कर देता <laughs> का सोच के आए थे खुश होगा? साबासी देगा <laughs> पहले वाले का जवाब सिक्स 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 वन एट जीरो आंसर नहीं एक हाथ तो बोल दो प्लीज बोलो ना बोलो ना प्लीज किसी का आ भी रहा होगा तो बोलिए ब्रेक छीन लेगा चलो मैं ट्राई करता हूँ काश मुझे पता होता कहाँ तक की इनकम पे कितना टैक्स लगने वाला है इनकम अप टू बोल बेटा फाइव लैक्स सीधा बारह हजार पांच सौ जो कुछ बैलेंस बचा मैं अब यहाँ पे ही सीधा बैलेंस राउंड ऑफ कर देता हूँ ठीक है सेवन डबल फाइव सिक्स एट जीरो में से पाँच लाख हटे इज इट टू लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड सिक्स एट्टी इस पर टैक्स रेट कितना परसेंट का होता है ट्वेंटी परसेंट फाइव डबल वन थ्री सिक्स टोटल टैक्स कितना बना बेटा सिक्स थ्री सिक्स थ्री सिक्स अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में टू फाइव फोर फाइव ये वो चिल्लर में पढ़ने का नहीं अपन चिल्लर उठा के पिल्लर बनाएंगे बोल बेटा टोटल टैक्स कितना पहुंचा सिक्स सिक्स वन एट वन लल ल How many people do not got this answer? Do not got this answer? मस्त क्या इसमें भी हाथ नहीं उठाना मास्टर बट आई होप एवरी वन गॉट दिस आंसर यस अब तुमको कॉन्फिडेंस आया होगा मां कसम कुछ तो सही चल रहा <laughs> मास्टर का आंसर हमारा आंसर पहली बार मैच कर रहा <laughs> चलो दूसरा Please help me. पहले क्या कर लू राउंड ऑफ ठीक है इसमें से पांच सौ जो भी बैलेंस बचा नाइन एट टू एट नाइन जीरो में से पांच लाख हट गया फोर एट टू एट नाइन जीरो पे टैक्स कितना परसेंट बेटा ट्वेंटी परसेंट इन ट्वेंटी परसेंट इज नाइन सिक्स फाइव सेवन एट प्लस बारह हजार पाँच सौ टोटल टैक्स कितना आता है इसमें अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में इज इट फोर थ्री सिक्स थ्री योर टोटल टैक्स कम्स टू वन वन थ्री फोर फोर वन और इसको आप क्या करेंगे राउंड ऑफ वन वन थ्री फोर फोर जीरो मैं देख रहा था अभी बच्चों के बीच में जाके कई बच्चे ऐसे जिनको जम रहा था पर वो डर रहे थे डरने की कोई बात नहीं है पेज वेस्ट हुआ चलेगा अटेम्प्ट नहीं वेस्ट होना चाहिए तो सॉल्व करने का डरने का नहीं पेज वेस्ट होगा ना अटेम्प्ट तो बच जाएगा ठीक है ना पेज वेस्ट कर देने का कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे कई पन्ने लगेंगे तुम्हारी हिस्ट्री लिखने में पर अब भी मुझे तुम पे भरोसा नहीं इसलिए घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं याद रखें कोई कुछ नहीं बताएगा ये एग्जाम्पल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में नहीं आते है ना नंबर ऑफ प्रॉब्लम अलग है ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स है ये तुम्हारे घर के लिए होमवर्क है ब्रेक में इधर सॉल्व करते मत बैठना सेवन सेवेंटी सेवन 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 टोटल इनकम नाइन सिक्स टू सिक्स टू जीरो दो आपके घर के लिए होमवर्क है कल देखेंगे वैसे मैं आपको एक बात बताऊं क्या कैलकुलेटर पे थोड़ा ट्राई करवाओ कैलकुलेटर पे ट्राई करो नाइन सिक्स टू सिक्स टू जीरो सिर्फ कैलकुलेटर को कैसे यूज करना इसमें से कहां तक का पता है बेटा पांच लाख पांच लाख माइनस कर दो इंटू ट्वेंटी परसेंट सीधा ऐड कर दो बारह हजार पांच सौ सीधा ऐड कर दो चार परसेंट पेज को छोड़ो कैलकुलेटर पे पहले निकल जाएगा एक मिनट कैसे किया वापस से नाइन सिक्स टू सिक्स सिक्स सॉरी नाइन सिक्स टू सिक्स टू जीरो इसमें से पांच लाख तक के तो दिमाग में सेट है ना उसको माइनस कर दो जो बचा उस पर बीस परसेंट फिर 12,500 को ऐड करो और अंत में सीधा चार परसेंट ऐड कर दो 109225 राउंड ऑफ करके 30। समझा क्या पक्का ये हो गया होमवर्क और मस्ती मस्ती में आज आपको पता ही नहीं चला ब्रेक का टाइम हो गया है ना सी आफ्टर द ब्रेक एसएससी hmm. सी के लिए बेनिफिशियल होगा वो तो ही सर्कुलर यूज करेगा डिपार्टमेंट पे तो मैंडेटरी है इशूड बाई सी बी डी टी डिपार्टमेंट के लिए क्लैरिफिकेशन है कि एवरी ऑफिसर गेट्स द सेम व्यू पर एस एस सी कैन हैव अ डिफरेंट व्यू ना एज अ टैक्स पेयर चलो चलो चलो, चलो यस सर वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ब्रेक से पहले हम लोग टैक्स कैलकुलेशन सीख रहे थे और अच्छी बात यह है टैक्स कैलकुलेशन ही सीख रहे हैं सर हम लोग कहा है सेक्शन चार पे रेट्स हम उसका पार्ट तोड़े जा रहे हैं मैं फिर से आप सभी लोगों का ध्यान चार्ट पे इनवाइट करना चाहूंगा टैक्स चार्ट कहां तक के पढ़ाए हमने एक बार प्लीज देख लीजिए फटाक से अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड नील टू लाख फिफ्टी यू थिंक सो डोंट यू थिंक सो के दस लाख ,00 के ऊपर वाले भी प्रॉब्लम हमको लेने पड़ेंगे यस yes, और दस लाख ,00 तक के मेरा स्लैब कितना रहने वाला है बोलो बेटा मेरा शॉर्टकट कितना रहने वाला है एक लाख बारह हजार पांच सौ ठीक है तो चलो अबाउट दस लाख वाले में आप लिखिए एग्जाम्पल नंबर थ्री अबाउट टेन लाख वाले में आप लिखिए एग्जाम्पल नंबर थ्री अब तक आपने चार पांच पेज लिख लिया होगा इन टोटल जब से क्लास चालू हुआ है एग्जाम्पल नंबर थ्री हम्म चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर थ्री पॉइंट वन एग्जाम्पल नंबर थ्री पॉइंट टू टोटल इनकम सिक्सटीन लाख टोटल इनकम कितना बेटा सिक्सटीन लाख और इधर टोटल इनकम कर देते हैं एटीन लाख 12,600. I am sure आप पांच लाख की जगह दस लाख के शॉर्टकट यूज करके निकाल पाएंगे इफ सो स्टार्ट पहला है 16 लाख और दूसरा है 18 लाख 12,600. स्टार्ट बस अब शॉर्टकट फाइव लाख की जगह कौन सा वाला यूज करो टेन लाख रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम चला लव कर शुड आई सॉल्व वाह पहली बार टैक्स कर रहे फिर भी टीचर को नो बोल दिया ऑन स्पीड 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 सॉल्व सोल्व करने दो ना यार ऐसा क्यों कर रहे हो कम एवरी वन स्पीड अप सोचो जो आज घर पे सोया ही होगा उसका क्या हाल होगा उठ जाग मुसाफिर भोर भाई कमान पहले वाले का आंसर थ्री लैख फोर थाउजेंड टू हंड्रेड कमान 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 स्पीड हाँ जी। इनकम टू रूपीज टेन लैक्स टेन लैक्स तक का टैक्स कितना है बेटा एक लाख बारह हजार पांच सौ। यही लॉन्ग कट में निकालना चाहोगे तो भी यही आ रहा है क्या देख लेते हैं पहले टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक के क्या आएगा बेटा नील नेक्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पे कितना होगा बेटा पांच परसेंट बारह हजार पांच सो और नेक्स्ट पांच लाख पे कितना होगा बेटा ट्वेंटी परसेंट दट इज वन लैख इन टोटल यहाँ पे भी तो एक लाख बारह हजार पांच सौ एवरीबॉडी जो भी आपका बैलेंस इनकम बचा बैलेंस इनकम कितना बचा बेटा थाउजेंड तो, 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 तो टोटल टैक्स कितना हुआ बच्चा इट्स टू नाइन टू फाइव हंड्रेड हाँ, रिबेट मिलेगा मिलेगा माई फाइनल टैक्स लाइबिलिटी कम टू थ्री लैक फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एवरीबॉडी आर यू गेटिंग दिस आंसर ब्रो यस थोड़ा ये बच्चों का ए सी है ना ये इधर इधर का मेक श्योर छब्बीस पे ला लो बंदी कर दो सफाकेशन होगा बच्चे ज़्यादा है सफाकेशन हो जाएगा मैं कम करवा देता हूँ छब्बीस सत्ताईस पे ला देता हूँ हाँ जी बच्चे यहाँ का हर जगह का सबका टेम्परेचर ट्वेंटी सेवन पे ला लो है ना ये वाला कौन सा वाला पार्ट थर्टी परसेंट वाला हाँ जी पहले स्लैब रेट पढ़ मेरे साथ पहले दो लाख पचास हजार तक टैक्स कितना है फिर दो लाख पचास हजार से डिफरेंस होता है। तेरी पांच लाख इनकम पांच लाख है पहले ढाई लाख तक के टैक्स कितना जीरो फिर ढाई लाख पे टैक्स कितना पांच परसेंट मतलब नेक्स्ट ढाई लाख पे कितना पांच परसेंट या, या बारह हजार पांच सौ अब पांच लाख से दस लाख मतलब डिफरेंस पांच लाख इस पे टैक्स कितना ट्वेंटी परसेंट ये पांच लाख पे ट्वेंटी परसेंट तो दस लाख तक के टैक्स कितना आया एक लाख बारह हजार पांच सौ वन लाख प्लस बारह हजार पांच सौ समझ में आई बात चलो दूसरा वाले का आंसर अप टू टेन लैक्स एक लाख बारह हजार पांच सौ बैलेंस बचा एट ट्वेल्व सिक्स हंड्रेड इस पर टैक्स रेट कितने परसेंट का बेटा थर्टी एवरीबडी गेटिंग द पॉइंट मालिक दिस कम्स टू टू फोर थ्री सेवन एट ज़ीरो माई टोटल टैक्स कम्स टू थ्री लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू एट्टी I will add HEC at the rate of 4%, 14251, my total tax would come to 3,70,531, I will make it round off, you have any reservation about it, so my final answer 370530, everybody, beta clear hua? पक्का किसी और को एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट नो स्टूडेंट नो काइंड ऑफ डाउट बहुत हार्ड है ना टैक्स कैलकुलेशन आपसे कहा था पहले एक दो समय ऐसा लगेगा पर हम जहां जहां गलती करेंगे हमें समझ में आएगा कहाँ गड़बड़ हो रही है एंड याद रखे फिर से ये स्लैब रेट है प्रोग्रेसिव बेसिस अप टू दिस दिस अपू दिस 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 है ना प्रोग्रेसिव क्यों रखा अगर सबकी इनकम अलग है तो सबका टैक्स पेबल भी अलग होना ही चाहिए है ना चलो जी वापस आते हैं चार्ट मेंसेंट फाइव लाख टू टेन लाख ट्वेंटी परसेंट पाओ टेन लैख थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट के आगे आप देखेंगे डैश लिखा है क्योंकि कुछ भी इनकम हो सकती है तो दस लाख तक का गेम याद रखो उसके ऊपर तो कुछ भी हो सकता है सबको थर्टी परसेंट है एवरीबॉडी अब तक हमने तीन नोट पढ़ी है पहला है एच दूसरा है राउंड ऑफ तीसरा है रिबेट ये सो नो आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं मैं यही टेन लाख वाले स्लैब पे एग्जाम्पल नंबर थ्री पॉइंट थ्री एंड थ्री पॉइंट फोर ये आपके लिए होमवर्क होगा जिसने होमवर्क नहीं करके आया उसको अटेम्प्ट की कसम और मैं पहले ही बता दूँ होमवर्क चेक होगा मेरे को अगर किसी भी रीजन के वजह से ये नहीं दिखा आप सीधा बाहर होंगे बहुत क्लियर है मेहनत को कोई एक्सेप्शन नहीं है समझ में आ रहा है सर कल ये हुआ था कोई कुछ भी हुआ हो आपको करके आने का है आंधी आए तूफान या अंबर फट जाए करना है लिखो ट्वेंटी फोर लैक सिक्सटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड और दूसरा होमवर्क है फोर्टी नाइन लैक आराम से मस्त घर पे करते रहने का चार प्रॉब्लम मिल गए होमवर्क जैसा कि मैंने स्टडी शेड्यूल बताया है शाम छह से आठ का होमवर्क का टाइम रखो आठ से ग्यारह का सेल्फ स्टडी का टाइम रखो ठीक है ये बात है आपसे तीन दिन से नहीं हो रहा बराबर की नहीं है लगानी पड़ेगी आदत चलो बढ़ू आगे बच्चे अब सुन अब तक हमने कितनी नोट पढ़ी पहला नोट था एच दूसरा नोट था राउंड ऑफ और अब मैं जा रहा हूं तीसरे नोट पे रिबेट रिबेट के बाद हमारा चौथा कैटेगरी है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नोट नंबर फोर शायद आपके राइट साइड वाले पेज पे काम चल रहा होगा या एज द केस में हमारे पास एक और पेज बचा है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स Bro, #bro, special rate of tax कहाँ mentioned है? Annual Finance Act ya Income Tax Act? pakki baat chalo pehla long term capital gains, हम इसे LTCG लिखते हैं। Under Section 112, 20% ltcg under section 112a beyond rupees 1 lakh 10% stcg what would be stcg then 111a 15% casual income for example, winning from lottery, horse race, etc. under section 115, double b, 30% online games. जंगली रमी पे आओ ना महाराज थर्टी परसेंट एम एम आर मैक्सिमम मार्जिनल रेट 42.744 परसेंट और इतना सिर्फ डीटी है जीएसटी अलग पे होगा डबल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एलटीसीजी एग्जाम में भी अलाउड है एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 कितना परसेंट बेटा 20 परसेंट एलटीसीजी हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए बियॉन्ड वन लैख टेन परसेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 परसेंट थोड़ा कैजुअल सा तरीका है 30 परसेंट ऑनलाइन गेम्स 30 परसेंट फिर है एम एम आर दैट इज मैक्सिम मार्जिनल रेट फोर्टी टू पॉइंट सेवन फोर फोर परसेंट इतना आप सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे जीएसटी अलग याद है ना सर मतलब ये तो मतलब फिर बचेगा क्या आदमी के पास आप समझा लोग चोरी क्यों करते होंगे टैक्स की यही सच्चाई है सर क्या क्या सर हमारे घर वाले भी ऐसा करते होंगे जो जो पे करते होंगे जिस जिसको चुपता होगा सभी करते होंगे सर क्या आप करते हो आओ फोकस करते हैं कंसेप्ट के ऊपर आपे अपन रिबेट में आने वाले लोग हैं समझ में अपन कौन सा सरचार्ज में आ रहे जो इतना दिमाग लगाए अपन कौन सा सरचार्ज में आ रहे मैंने क्या कहा अब ये मेरा आर्ट है कि मैं उसको रिबेट में लाऊं मैंने ये डिनाई किया क्या कि मैं सरचार्ज का रिसीट नहीं कर रहा नहीं मैं ये डिनाई कर रहा हूं कि मैं सरचार्ज पे कर रहा आई होप अब आप समझ रहे हैं कि अलग है एक ऑनलाइन बच्चा है वेदांत मेहता बेटा प्लीज़ पैम मत कर तू एक मैसेज डालता है ना तो भी मेरे को दिखता है ये बारह बारह मैसेज मत डाल मेरे को एक मैसेज में भी दिखता है और तेरा सवाल जो एडवांस का कैजुअल इनकम क्या होती है रुक ना बेटा मैं ना मैं आपको मेरा एक तरीका बताता हूँ पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा फिर वापस उस पर आऊंगा कहीं और से इंटरलिंक है वो करवाऊंगा और तूने नहीं मंगा तो भी एग्जाम्पल दे जाऊंगा है ना पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है मैं पुणे में ही रहता हूँ और मैं स्पीड में नहीं भागता है ना मेरे को पता है मेरा बच्चा कितना एवरेज है मैं उसको पेपर पे नहीं पढ़ा सकता ये टेक्से, टेक्स, टेक्से टेक्से टे, याद कर ले नहीं तू चार सॉल्व कर तो ये मेरा तरीका है प्लीज अंडरस्टैंड थोड़ा सा होल्ड कर इतनी बात मैं तेको गारंटी से बोलता हूँ कि जब तू किसी दोस्त के साथ डिस्कशन करेगा ना जीतेगा तू ये मेरा गारंटी है ये मेरा गारंटी है अब तू सिर्फ फोकस कर चल

कैपिटल गेन क्या होते हैं जब आप कोई प्रॉपर्टी या एसेट्स सेल करते हैं इससे आने वाले गेन को हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कहते हैं हमारे पास एक पूरा चैप्टर है कॉल्ड एस कैपिटल गेन याद है एक हेड है कब लॉन्ग आता है कब शॉर्ट आता है हम डिस्कस वहां करेंगे इट रिक्वायर कंप्लीट फोर आवर प्रोसेस टू अंडरस्टैंड लॉन्ग कब शॉर्ट कब पहले टैक्स समझ लेते हैं उसका अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मतलब मान करके चलिए कोई एसेट एक रफ आइडिया दे देता हूं लेट से अगर आप प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी आपने 36 सिक्स मंथ से ज्यादा होल्ड करी बराबर बर तीन साल से ज्यादा 36 सिक्स मंथ से ज्यादा होल्ड करी तो उस प्रॉपर्टी का नेचर लॉन्ग टर्म बन जाता तो उसको बेचने पर जो गेन आएगा उसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं यही थर्टी सिक्स मंथ से नीचे वाला जो होता है इसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं समझ में आ रही बात तो होल्डिंग पीरियड कितना है उसके ऊपर लॉन्ग शॉर्ट डिसाइड होता है है ठीक अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है तो इट टैक्सेबल एट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हंड्रेड एंड ट्वेल्व एंड्रेड एंड ट्वेल्व ए और हंड्रेड एंड ट्वेल्व में क्या डिफरेंस है? है, है, है तो जो आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं जो आप क्या करते हैं शेयर ट्रेडिंग करते हैं उस पर जो गेन आता है वो एक सौ बारह ए में आता है तो आपने अगर प्रॉपर्टी बेची तो किधर जाएगा एक सौ बारह शेयर बेचे तो किधर जाएगा एक सौ बारह ए अब वहां पे आपको एक वर्ड दिख रहा है बियॉन्ड वन लाख ये बियॉन्ड वन लाख का मतलब क्या है एक लाख रुपए तक इस पर टैक्स नहीं लगता आई जस्ट मीन टू से सपोज कर दीजिए मैंने रिलायंस का शेयर सेल किया एंड आई अर्न टू लाख रुपीज इनकम दो लाख की आई इनकम उसमें कैसे निकालते हैं क्या होता है वो सब बात का मैटर है अभी टैक्स समझना है सपोज मेरा नेट इनकम आया दो लाख सेल माइनस परचेस वैल्यू दो लाख का नेट गेन आया दो लाख में से एक लाख तक पे टैक्स नहीं लगेगा उसे एग्जम्ट कर रखा है जो बैलेंस एक लाख है उस पर दस परसेंट दिस इज अपार्ट फ्रॉम द बेसिक बेनिफिट जो आपको मिलता है दिस इज अपार्ट फ्रॉम द बेसिक बेनिफिट जो आपको मिलता है और इसीलिए स्टॉक मार्केट बूम्स पे है क्योंकि लोगों को अपार्ट फ्रॉम दो लाख पचास हजार एक लाख का और बेनिफिट दिया है समझ नही बात इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट इतना हाइप दिख रहा है चलिए सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व टेन परसेंट बियॉन्ड रुपीज वन लाख सर so, मतलब अगर इनकम ही सत्तर हजार हुई होगी तो हम उस पार्ट पे टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे अदर इनकम पे करेंगे यस थर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड एंड इलेवन ए ंड्रेड एंड इलेवेन ए भी जो आता है वो किसके ऊपर आता है शेयर्स शेयर्स का जो होल्डिंग पीरियड होता है ये बारह महीने का होता है रादर देन तो अगर शेयर मैंने बारह महीने से ज्यादा होल्ड किया लॉन्ग टर्म बारह महीने से कम होल्ड किया शॉर्ट टर्म बन जाता है बराबर है शेयर्स को अगर मान लीजिए जो लोग बाय एंड सेल करते बी टी एस टी बोलते इसको बाय टूडे सेल टूम बी टी एस टी कर लिया या इंट्राडे ट्रेडिंग कर ली इसको जो टैक्स लगता है ये पंद्रह परसेंट पे लगता है इसको जो टैक्स लगता है पंद्रह परसेंट पे लगता है क्लियर है फिर आता है कैजुअल इनकम इज इज कॉल्ड कॉल्ड विनिंग विनिंग आपने किसी भी तरीके का जुआ सट्टा लगाया जैसे हॉर्स रेस किया विनिंग फ्रॉम लॉटरी तीन पत्ती पोकर यस घोड़ों की रेस ऊंट की रेस बकरी की रेस बैलगाड़ा कुछ भी शरीय लगाई उससे आने वाला इनकम तीस परसेंट तुमको अगर मिला मुझको भी चाहिए तो विजय सर गोवा में कसिनो में गए पैसे कमाया कितना टैक्स आएगा तीस परसेंट समझ में आई बात विनिंग नेक्स्ट अब इस साल से ये आपको अमेंडमेंट है मतलब कंफर्म इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है इस साल से ही आया है ऑनलाइन गेम्स रिसेंटली ऑनलाइन गेम्स का जो कल्चर है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ड्रीम इलेवन जंगली रमी एटसेट्रा 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 यू you नो know, रमी सर्कल तीन पत्ती ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इनको जो विनिंग आ रही है इस पर तीस परसेंट लगा दिया सरकार ने तो अगर तुमने ड्रीम इलेवन पे पैसा लगाया है कभी लाइफ में तो आपने देखा होगा जो आपको अमाउंट आई होगी वो टैक्स कट के आई होगी इस पर टैक्स लगता है कितना परसेंट बेटा तीस एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया बीबीजी यस yes, और लास्ट में एम करके कुछ है मैं अभी ये नहीं बताऊंगा एम क्या है तुम खुद ये निकालोगे एम क्या है ठीक है ये मैं नहीं बताऊंगा ये तुम खुद ही निकाल लोगे चलो वापस से एक बार रिकॉल कर लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैजुअल इनकम थर्टी परसेंट ऑनलाइन गेम्स थर्टी परसेंट ऑफलाइन तीन पत्ती तीस टक्का डबल बी ऑनलाइन तीन पत्ती तीस टक्का बीबीजे समझ में आ रही है बात नेक्स्ट एमएमआर आप खुद निकाल लोगे अब यहां पे एक याद रखिएगा एस टी सी जी नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ए इज टैक्सेबल एट रेट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है पर एक सौ ग्यारह ए का नहीं है एक ए में तो वही आता है जो शेयर तो मान ले मैंने प्रॉपर्टी एक्वायर करी चार महीने के अंदर में बेच दी ये भी तो शॉर्ट टर्म ही हुई ना हीस महीने से कम होल्ड किया पर वो से आने वाला इनकम नहीं है तो वो इनकम कहा जाता है नॉर्मल स्लैब रेट वो इनकम जाता है बेटा नॉर्मल स्लैब रेट तो सिर्फ जो शेयर से आने वाला एक सौ वाला है वही पंद्रह परसेंट पे जाता है बाकी सब नॉर्मल स्लैब रेट में चल जाता है नॉर्मल स्लैब रेट जो हम ऊपर पढ़ के आए वो ठीक है पर आपको तो पता है मैं एवरेज बच्चा हूँ पढ़ के काम थोड़ा ना समझ में आता है मेरे को एग्जाम्पल नंबर बोलो फोर एग्जाम्पल नंबर क्या है बेटा फोर चलो हाईलाइट करो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर फोर पे चलते हैं लाइफ में एग्जाम्पल नंबर फोर नॉर्मल प्लस स्पेशल रेट नॉर्मल प्लस स्पेशल रेट अंडरस्टैंड पी जी बी पी पी जी बी पी नाइन लाख रुपीज डिविडेंट इनकम फिफ्टी थाउजेंड रुपीज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व थ्री लाख रुपीज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए फोर लाख रुपीस, लॉटरी विनिंग वन लाख रुपीस, सारे हेड की इनकम मिला के मेरी क्या बन जाएगी टोटल इनकम नाइन प्लस नाइन लाख प्लस फिफ्टी थाउजेंड प्लस सेवन लाख प्लस वन लाख क्या टोटल सेवेंटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड आ रहा है ठीक है अब देखो सर अगेन वेदांत सर सारे सेक्शन याद करने की ज़रूरत है क्या शायद मैं इसका जवाब दे चुका हूँ ना सेक्शन नंबर और केस लो याद नहीं रखने हो जाएंगे ये अलग बात है पर एग्ज़ाम में मेंशन करे तो मार्क्स कटेंगे ये वो इंटर लेवल पे तुमसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है डीटी में तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे इतने हैं मैं अब भी तुम्हारे को ये खत्म करने के बाद दिखाता हूं तुमने कितने पढ़ लिए और तुम खुद शौक हो जाओगे देख करके कि इतने सारे हो भी गए चलो डन अब सुनो एक मिनट देखो मैं तो कुछ स्टेप बताता हूं एक हम दो मिलके करेंगे बचाव आप करो प्रॉब्लम ऐसा ऊपर से नीचे तक घूर के देखने का कैसे देखोगे घूर के वो भी ऊपर से नीचे कौन कौन सी इनकम ऐसी है जो स्पेशल दिख रही है पहला तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है दूसरा ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है लॉटरी भी दिख रहा है जो स्पेशल नहीं है वो सब कहां जाएगी नॉर्मल यानी पीजीबीपीएन डिविडेंड कौन सी बन गई इनकम नॉर्मल अब सुनिए 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 जल्दी मत करिए पहले सब समझो क्लर्कल वर्क मत करो सिर्फ छापना है सुनो अब जो स्पेशल है आपको नहीं लगता स्पेशल ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे इनको हां या ना इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा लाइफ के अंदर में इन लोग को बताना पड़ेगा कि भैया आप हमारे यहाँ पे मेहमान हैं तो सो समोसे आएंगे पहले मेहमान खाएंगे आपको वेट करना है जब तक वो जाते नहीं बराबर है कि नहीं है तो स्पेशल लोग अब आपको एक बात बता दू जनरली जनरली स्पेशल इनकम को बेसिक स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलता प्लीज मेरी बात को फिर एक बार सुने जनरली स्पेशल इनकम को बेसिक स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता नहीं दीज इनकम आर डायरेक्टली टैक्सीबल एट स्पेशल रेट दीज इनकम आर डायरेक्टली टैक्सीबल एट स्पेशल रेट आर यू गेटिंग द पॉइंट यस बची हुई जो नॉर्मल इनकम है वो स्लैब रेट में आती है तो पहले समझना रुको कुछ भी मत लिखना पहले सिप सुनना मैं दो पार्ट में इसे डिवाइड कर देता हूँ एक इनकम जो मेरी कौन सी इनकम है बेटा नॉर्मल इनकम इस पे रुपीज और इस पे टैक्स एक एक्सेल शीट इमेजिन कीजिए बराबर और दूसरे पार्ट पे मैं डिवाइड कर देता हूं मेरी स्पेशल इनकम इस पे टैक्स ठीक है ये एक्सेल शीट बना ली मैंने बाद में दोनों एक्सेल शीट को मर्ज कर दूंगा ठीक अब पहले स्पेशल इनकम को ढूंढते हैं प्लीज मुझे आइडेंटिफाई कराइए स्पेशल इनकम पहले कौन सा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जन इनकेट बेनिफिट नहीं मिलता इनकम इनटू परसेंटेज स्ट्रेट अवे टैक्स बताइए 112 पे टैक्स कितना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थ्री लैक इंटू ट्वेंटी परसेंट इज इट सिक्सटी थाउजेंड फिर दूसरा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए फोर लैक्स पे टैक्स निकालू या थ्री लैक्स पे yes. श्योर हो आप थ्री लैक्स पे क्यों क्योंकि एक लाख तक के क्या है बेटा एग्जाम तो ये हो गया थर्टी थाउजेंड फिर तीसरा आ गया लॉटरी लॉटरी कितनी है बेटा वन लैक इन टू थर्टी परसेंट पलट के देखो इज इट थर्टी थाउजेंड आपका स्पेशल टैक्स निकला एक लाख बीस हजार टोटल टैक्स मैं इसको नाम दे देता हूं बी समझ में आया क्या जन रैली स्पेशल इनकम को रेट का बेनिफिट मिलता नहीं इनकम इंटू परसेंटेज स्ट्रेट अवे टैक्स इनकम इंटू परसेंटेज स्ट्रेट अवे टैक्स यहां तक के सबको समझ में आया स्टॉप अभी लिखना नहीं है रुको अब जो इनकम बची ये सब मेरी नॉर्मल इनकम बच गई जो स्पेशल कैटेगरी में नहीं आती वो सब किधर चल जाती नॉर्मल मेरी नॉर्मल इनकम कितनी बची बेटा नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड अब इस पे जैसे बचपन से टैक्स निकालते हो वैसे टैक्स निकालो बचपन से कैसे टैक्स निकाल रहे कहां तक का टैक्स पता है अप टू रूपीज फाइव लैख कितना आएगा बेटा बारह हजार पांच सौ बैलेंस कितना बचा फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का आएगा ट्वेंटी परसेंट एवरीबाडी इंटू ट्वेंटी परसेंट इज इट नाइन्टी थाउजेंड आपका टोटल टैक्स कितना आया वन लैख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या मैं इसको नाम दे दूं ए अब ए और बी मेरा टोटल टैक्स बनेगा दोनों एक्सेल शीट को मर्ज कर दिया मैंने मैंनेड्रेड क्या रिबेट मिलेगा नहीं पर एच तो टोटल टैक्स पे आता है ना ब्रो आपके मन में सवाल आ रहा था मास्टर ने एच क्यों नहीं लगाया मास्टर ने क्या कहा था एच ई सी इज ऑन टोटल टैक्स थेरी पढ़ा देता मजा नहीं आता प्रैक्टिकल जब सॉल्व करते हो तब समझ में आता है गड़बड़ कहां हो रही है मैंने पढ़ा क्या था और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है समझ में आया क्या इंटरप्रिटेशन क्या है टोटल टैक्स पे एच ई आता है अब इन टू चार परसेंट कितना है बेटा एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड कह दो ना कह दो ना 231 400 मेरा क्या बनेगा बेटा टोटल टैक्स कलल का ऐसे कैसे मैंने लिखने नहीं बोला पहले सुनो प्रॉब्लम को जब भी आए ऐसा घूर के देखने का कैसे देखोगे घूर के ऊपर से नीचे पहले आइडेंटिफाई कर लो कौन-कौन सी स्पेशल है जितनी लिखी उतनी स्पेशल थी इधर आके देखा तीन चीजें मिली जो स्पेशल नहीं है वो सब नॉर्मल में जाएगी व्हाटएवर नेम कॉल्ड डिविडेंड इंटरेस्ट ये वो कुछ भी बोले सब नॉर्मल में ठीक मैं सबसे पहले गया हमारे यहाँ नाश्ता पहले स्पेशल लोगों को मिलता है पहले भी किया इन इनकम कितना परसेंट ट्वेंटी दूसरा हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए वाला कितना था चार लाख पर फिर भी मैंने टैक्स तीन लाख पे ही निकाला क्यू एक लाख तक के क्या है बेटा एग्जाम तो तीन लाख पे दस परसेंट यस सर यही अगर एक लाख से कम होता मैं उस पर टैक्स निकालता क्या नहीं समझ में आ रही बात अच्छा इस पर दस परसेंट निकाला लॉटरी पे कितना परसेंट था बेटा मैंने इसको एक एक्सेल शीट के फॉर्मेट में बना दिया बी अब मैंने जितनी बची हुई इनकम थी नाइन लाख प्लस फिफ्टी थाउजेंड सबको नॉर्मल में डाल दिया अब इस पर जैसे बचपन से टैक्स निकालते आ रहा हूं वैसे निकाला किसी नालायक के मन में आ सकता है कि सर टोटल इनकम तो दस के ऊपर है तो आपने डायरेक्ट तीस परसेंट लगाना चाहिए था स्पेशल इनकम हर साल नहीं आती इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम अब हमने जैसे टैक्स निकाला वैसे निकाला एक्सेल शीट ए एक्सेल शीट बी को मर्ज कर दिया क्लाइंट के लिए और टोटल टैक्स पे क्या निकाला एच ही से कल अब आप लिख सकते नॉर्मल, स्पेशल सर एग्जाम में भी यही फॉर्मेट यूज करना है इसीलिए पढ़ा रहा हूं लेवी गेम्स नो टैक्स टैक्स इज ऑन बियॉन्ड रुपीज वन लैख सर एस टी सी जी पे भी एक लाख तक का एग्जामेशन मिलता है क्या नहीं वी हैव नॉट डिस्कस डोंट एज्यूम का एक एक स्टेप समझ रहा है क्या बच्चे मैं आपको सीधा फर्स्ट फ्लोर पे नहीं लेके जाना चाह रहा तू तो एक, -एक सीढ़ी चढ़ वो ज्यादा बेटर है ये तो मैंने सॉल्व किया बराबर है ना अब तुम्हारी बारी आर यू डन विद सर यूट्यूब इनकम पे टैक्स लगता है क्या चल वेदांत वापस चालू कर बेटा आज तेरे को अचानक से बहुत सारे सवाल आ रहे शायद ये तेरा पहला दिन है इनकम मींस रिसिट क्या ये कैपिटल रिसिट है या रेवेन्यू रिसीट है यूट्यूब से आने वाली इनकम रेवेन्यू रिसिट रेवेन्यू रिसीट इज ऑलवेज चार्जेबल टू लाइबल बोलू मालिक सर yes. लॉटरी पे भी एग्जाम्शन है क्या yes. कुछ भी तीस परसेंट टैक्स लेकर तुम बोल रहे हो एग्जाम क्या ऐसे सवाल लाते कहां से और रखते कहा <laughs> अरे मतलब तीस परसेंट टैक्स लगा रहा, और भाई बोल रहा है फरवरी का महीना चालू है समझ रहा हूं पर ये गलतियां मत करो अच्छी गलतियां करो चलो डन है मालिक लेकिन ये तो मैंने सॉल्व किया एग्जाम्पल नंबर फोर पॉइंट टू PGBP. Anyone who wants to know the full form of PGBP? No, no. Na? PGBP का full form बेटा profit and gains from business and profession. एक मिनट. आ रहा हूँ. हाँ जी सर बोलिए. Special tax को आऊंगा उसके ऊपर बिल्कुल इसी के कंसेप्ट के बाद वाला कंसेप्ट है आऊंगा मैंने आपका सवाल लेके यहां रखा है मेरे पास सेफ है हाँ जी चलिए सिक्सटीन लाख पीजीबीपी इंटरेस्ट इनकम टू लैख्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए थ्री लैख ऑनलाइन गेम विनिंग लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इलेवन ए टू लैख मेरा टोटल इनकम 16 प्लस टू प्लस सिक्स प्लस टू ट्वेंटी सिक्स लैख ट्राई और सब लोग ट्राई करो पेज वेस्ट होगा चलेगा क्या हुआ मैं साइड हट जाऊं लो सर सर क्लास पे पिकअप शिफ्ट होगा करीब चार क्लास बाद एक सौ बारह पर ऐसा होता नहीं है एग्ज़ामिनर क्लियर करके देता है एक सौ बारह या एक सौ बारह ए क्लियर रखता है वो और अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो एक सौ बारह स्पेशल इनकम कंसिडर होती है क्या देखो लिखा है आपने पलटू पेज मुझे पता था ये सवाल आएगा देखो तीसरी लाइन में क्या लिखा है रिबेट के वक्त स्पेशल इनकम कंसिडर होती है क्या मुझे पता था ये सवाल आएगा पहले ही लिखा के रख दिया हाँ जी क्या बोले अच्छा एलईडी का इशू है वहाँ ठीक ना सर लॉटरी दो लाख है और आपने एक लाख लिया ऐसा क्यों डिड आई दिस दिस अच्छा नहीं नहीं बेटा लॉटरी एक लाख रुपए था कोमल लॉटरी एक लाख रुपए था बेटा चलो वी डोंट हैव दी ओल्ड ए अप स्पीड बढ़ाओ थोड़ी आई साहब जल्दी ढूंढो, गलती चलेगी इस पे अच्छा लोड कैसे ज्यादा होगा उसमें देखो लबुलatul को एक बार हाँ। कर, कर, कर सोल्व कर रुक मत बेटा पहले नॉर्मल या स्पेशल यू डिसाइड कि क्या करना है इधर समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को पक्का समझ में आ रहा है अच्छे से इधर तुम लोग को आ है बेटा कल से कैलकुलेटर चाहिए मेरे को कैलकुलेटर कितने थे कैलकुलेटर चाहिए मेरे को कल से हुआ क्या फाइनल आंसर पोटेंशियली फाइल एक्ट 22,600 एक जवाब जरूरी नहीं है सही हो दूसरा जवाब फाइल एक्ट 12,200 निकल निकल रुक मत बेटा ट्राय कर चला 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 लवकर लवकर करा चल बेटा फाइव ट्वेल्व टू हंड्रेड ना किटिंग आंसर फाइव ट्वेल्व टू हंड्रेड बट देर आर पीपल बट फोर लैक पीपल थाउजेंड फाइव फोर्टी थ्री फोर हंड्रेड देन 512200 352500 526860 511200 531900 वाह बेटा पूरा भारत इतने प्यारे प्यारे जवाब निकाल रहा है वेरी गुड बेटा इसी को कहते हैं विविधता में एकता सारा पढ़ा है सबको एक आंसर सबके अनेक गजब 418600 मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा तुमने बहुत कम टैक्स किया है थाउजेंड तू मेरा सी है मुंबई आ रहा है तू रैंक होल्डर है तू अच्छा है, H -E -C? बस अब मैं सहन नहीं कर सकता इतने प्यारे आंसर अब ना हो पाएगा चलो सबसे पहले मैंने घूर के देखा कुछ अच्छा लगा आई मीन टू से एक दो तीन ये तीन स्पेशल बन रहे है ब्रो ठीक है तो मैंने मस्त दो एक्सेल शीट बनाई एक एक्सेल शीट को लिखा ए एक एक्सेल शीट को लिखा बी पहले बी वाला पूरा कर लेते हैं स्पेशल इनकम और यहाँ पे सीधा सीधा टैक्स रुपीस हम्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए सर टू लैख इंटू टेन परसेंट किसी को कोई तकलीफ है क्या होंगी तो पेज पलट लेना फिर आता है ऑनलाइन गेम्स हंड्रेड एंड फिफ्टीन डबल बी जे एवरीबडी थ्री लैख इंटू थर्टी परसेंट इज इट नाइनटी थाउजेंड थर्ड एस टी सी जी अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इलेवन ए टू लैख इन टू फिफ्टीन परसेंट बी बी थर्टी थाउजेंड भाई साहब आपका एक्सेल शीट बी का आंसर आ रहा है वन लैख फोर्टी थाउजेंड डू यू अग्री बाकी जो कुछ बचा सब नॉर्मल में जाएगा सिक्सटीन लैख ब्रो कौन सा शॉर्टकट लगाएगा पांच लाख वाला या दस लाख वाला पक्की चीज अप टू रूपीज बोल बेटा हाँ जी ओ सॉरी एटीन लैख सिक्सटीन प्लस टू एटीन अप टू रूपीज टेन लैख वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड बैलेंस एट लैख पे टैक्स रेट कितना परसेंट बेटा थर्टी एट थ्री ज ट्वेंटी फोर टू लैख फोर्टी थाउजेंड एक्सेल शीट ए का टोटल आ रहा है एक लाख बारह हजार पांच सौ प्लस दो लाख चालीस हजार इट्स थ्री फाइव टू फाइव हंड्रेड सर आपने एच ई सी तो लगाया ही नहीं। लगाएंगे ना बेटा, पहले मर्ज तो करने दो एक्सेल शीट टोटल टैक्स ए प्लस बी इज इट फोर नाइनटी टू फाइव हंड्रेड इस पे एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट Hmm. समझा पक्का ऐसा मस्त अपनी पीठ तप तपा लो कुछ तो सही कर रहे हो एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया एक हाथ तो पूछो प्लीज अरे एक हाथ तो पूछो ऐसा क्यों कर रहे एक हाथ सवाल पूछो ना पक्का हो गया मेरे को विश्वास नहीं है और एक टैक्स स्पेशल टैक्स रेट नीड्स टू बी लर्न सेक्शन नंबर नीड्स नीड नॉट टू बट टैक्स रेट ये मैं क्या बोल रहा हूं स्पेशल रेट प्लस रिबेट कंसेप्ट पबजी पबजी लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर एक सौ बारह ए वन लाख, लॉटरी फोर्टी थाउजेंड सॉरी नॉट एक सौ बारह एक सौ बारह रखो इसको हॉर्स रेस विनिंग फोर्टी थाउजेंड टोटल इनकम फोर लैक एटी थाउजेंड निकालो नाउ अप्लाई योर टाइम योर टाइम स्टार्ट नाउ ऑल यू गॉट थ्री मिनट तीन मिनट नहीं तो मैं पच्चीस करेक्ट आने के बाद लगता है आपू भगवान है आज एक बच्चे का ध्यान भी इधर से उधर नहीं भाग रहा मालूम सब ऐसा या तो ऊपर या तो नीचे हो गया कितना आंसर आ रहा है एक जवाब एनी वन विथ नील आंसर यस ऑल दोस्ट हुआ सिटिंग इन कोलापुर भुवनेश्वर अमृतसर दिल्ली पठानकोट हैदराबाद बेंगलुरु कोलकाता लखनऊ कानपुर जल्दी जल्दी बोलो जवाब 24960 तो पहला जवाब क्या था सारे जवाब देते जाओ फटाफट जिस जिसका जो जो निकल रहा है हाँ नहीं ये इसके अलावा कुछ है तो बोलो ये देखो ये जवाब मिले इसके अलावा कुछ है तो बोलो थर्टी फाइव थ्री सिक्सटी वेरी गुड बेटा थर्टी फाइव थ्री सिक्सटी हाँ हाँ फोर्टी एट थ्री सिक्सटी फोर्टी थर्टी फाइव या आ गया फोर्टी थ्री सिक्स एट्टी एक नंबर बेटा फोर्टी थ्री सिक्स एट्टी ये ऊपर वाले को इधर उधर करके बता दिया हाँ। थर्टी थ्री टू एटी थर्टी थ्री टू एटी एक थर्टी थ्री टू एटी दो क्या कोई नहीं इस भरी सभा में जो जवाब दे सके 37 सेवन नाइन सिक्सटी वेरी गुड बेटा हमारी छोरियां चोरों से कम है के 24 960 44,000 वाह बेटे एच -E नहीं लगाया तूने हाँ और कोई जवाब फाइनल तीन जवाब एक्सेप्ट करूंगा हाँ फिफ्टी सिक्स वन सिक्सटी बहुत बढ़िया बेटा हाँ भरपूर मौका है अपनी कला दिखाने का बोल बेटा फोर्टी वन फोर्टी फाइव सेवन सिक्सटी ओके फोर्टी फाइव सेवन सिक्सटी हम्म ये हो गया हाँ ठीक है एक और एक और कोई अलग जवाब अरे भाई साहब सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फाइव सिक्सटी भाई साहब प्राउड इंडियन आर्मी क्या क्या किया भाई पांच लाख बारह हजार दो सौ एक नंबर बेटा अबे इतनी तो इनकम ही नहीं जितना टैक्स निकाल दिया घर से भरू क्या पांच लाख प्रमोद पांच लाख बारह हजार अरे इनकम ही चार अस्सी है है कौन है ऐसे लोग अच्छा हुआ बेटा एडीजेड के सामने नहीं बोला चलिए सुनो ना एक मिनट एक मिनट एक ऐसी मन में आया सवाल है सोचिए एग्जामिनर के लिए कितना डिफिकल्ट चाल अरे इतू सा क्वेश्चन क्वेश्चन चार लाइन का नहीं आंसर सालो तुमने दो दो बड़े बड़े लाइन निकाल दिए कैसे रहना लायक तुम लोग हाँ तो मैं भी एक काम करता हूं सुनो ना मैं भी एक काम करता हूँ सिर्फ टैक्स पढ़ा देता हूं सॉल्व नहीं कराता पक्का अरे पढ़ा देता देखो ये दे ऐसा आता ऐसा आता ऐसा आता कि सॉल्व करना पड़ेगा जितने चीज बदलोगे उतने चीज बदलेगी चल इधरा सुन पहले सब जोर से घूर के देखा मेरे को तो ये तीन इनकम स्पेशल दिख रही है ठीक है सुन रहे हो ना तुम सबसे पहले स्पेशल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बेटा भाई सुन आवाज मत कर इज इट ट्वेंटी थाउजेंड दूसरा लॉटरी फोर्टी थाउजेंड इंटू थर्टी परसेंट इज इट ट्वेल्व थाउजेंड तीसरा हॉर्स रेसेस फोर्टी थाउजेंड इंटू थर्टी परसेंट इज इट ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड इज इट फोर्टी फोर थाउजेंड इन बी बाकी जो कुछ बचा वो किधर गया नॉर्मल आई गेस नॉर्मल में तीन लाख ही बचता है वाह वाह बेटे तीन लाख में से बेसिक एक्जम्शन लिमिट दो लाख पचास हजार दो लाख पचास हजार तक के क्या रहेगा नील बैलेंस बचा बेटा फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड पे टैक्स रेट कितना परसेंट है बेटा पाँच परसेंट फिफ्टी थाउजेंड इन टू पाँच परसेंट इज इट तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आपका ए आ गया टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सर रिबेट रुक तो जान टोटल टैक्स कितना आएगा बेटा फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव टोटल टैक्स में से रिबेट मिलता है इज असेसी इंडिविजुअल यस इज असेसी रेसिडेंट यस टोटल एक मिनट जरा पेज पलट रिबेट पे जा तीसरी लाइन पर बी इंडिविजुअल ही शुड बी रेसिडेंट टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल डज नॉट एक्सीड फाइल हो रहा है दोनों मिला के पांच से ऊपर नहीं रिबेट जो मिलता है वो टोटल टैक्स से मिलता है तुमने सिर्फ नॉर्मल से दिया कई लोगों ने ये गड़बड़ करी टोटल टैक्स से रिबेट मिलता है डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स टैक्स मींस नॉर्मल प्लस स्पेशल लॉ डिफरेंट है इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है क्या मैं यहां पर ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड कर लू हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स फोर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच वोअर ये बचा बैलेंस तुमने ना बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ गड़बड़ रिबेट में किए मैं बता रहा हूं इस पे अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में तेरह सो साठ रुपए फाइनल आंसर थर्टी फाइव थाउजेंड थ्री सिक्सटी आता कैसे वाटते हैं। गार, -गार वते मजा आ रहा है कि नहीं ब्रो कैसा एक 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 परत अलग करनी पड़ती तो समझ में आता सुन ना ब्रो हाँ हम्म ये पांच लाख बारह हजार दो सौ अटेम्प्ट 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 पासिंग परसेंटेज ऑफ सी एंटर रियल फैक्ट ओ जी इतने लेवल पर प्रिपेयर करना पड़ता समझ में आया इसीलिए फाउंडेशन इंटर फाइनल सी एंस प्रूड <laughs> <laughs> आप एक फनल में हो समझ में आ रहा है क्या आप एक फनल में हो निकलेगा वही जिसका पूरा क्लियर होगा पर अगर गड़बड़ हुई है तो एक और प्रॉब्लम मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 4.4 इट्स अ कैडबरी सिल्क क्वेश्चन हुम सो एवर गिव द फर्स्ट एंड द करेक्ट आंसर विल गेट अ कैडबरी डेनमिल्क सिल्क फ्रॉम माई साइड फर्स्ट करेक्ट कंप्लीटली सॉल्व बट ऑफर इज लिमिटेड टू फेस टू फेस बैच हा मतलब <laughs> समझना पर हां आपको सॉल्व करके मजा आएगा आर यू रेडी करेक्ट कंप्लीट और पूरा सॉल्व किया हुआ फर्स्ट आंसर विल गेट कैडबरी डेरमिल्क सिल्क ऐसे भुक्कड़ लोग है रे चलो स्टार्ट पीजीबीपी थ्री लैक फिफ्टी थाउजेंड लॉटरी सिक्सटी थाउजेंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व सेवेंटी थाउजेंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इलेवेन ए एट्टी थाउजेंड ऑनलाइन गेम्स सिक्सटी थाउजेंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए टू लैख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वन लैख योर टोटल इनकम फिफ्टी प्लस सिक्सटी प्लस सेवेंटी प्लस एट्टी प्लस सिक्सटी प्लस दो लाख प्लस एक लाख नाइन लैख ट्वेंटी थाउजेंड पहले मन में सवाल का जवाब ले लो रिबेट मिलेगा क्या क्या रिबेट मिलेगा नहीं हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड या बारह हजार पांच सौ दोनों में से जो कम है वो लेने का तो जो टैक्स आ रहा है वो या बारह हजार पांच सौ दोनों में से जो लोअर है वो लेना स्टार्ट्स नाउ। <laughs> एक बच्चा कह रहा है सर एक ए तो रिबेट तो मिलने नहीं वाला सिर्फ एक ए वाले पे रिबेट नहीं मिलने वाला बचे पे मिलेगा हाँ पहला जवाब आपका सॉल्व ही नहीं हुआ है ऑन पेपर सॉल्व हो ही नहीं सकता इतने स्पीड में पॉसिबल ही नहीं है जवाब आपका सही हो सकता है मैंने क्या कहा सॉल्व विथ स्पीड फटाफट फट्ट स्पीड में सॉल्व करो सॉल्व नहीं कर पाए तो सोचो उसके बच्चे क्या बुलाएंगे का सॉल्व है भाई बाजू वाले देख जरा सॉल्व सॉलडे क्या पूरा सॉलडे नाइन्टी फाइव सिक्स एटी एक जवाब नाइनटी फाइव सिक्स एटी नाम क्या बच्चे तेरा Z, Z, लिखो सिर्फ ए आई डी बराबर है ना बराबर है आई डी Z Z भाई ने निकाला है नाइनटी फाइव थाउजेंड सिक्स एटी सॉल्व करके हाँ चलो तोड़ो कैलकुलेटर पेन हाँ धा 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 जवाब आ गया जवाब आ गया ऑन कम ऑन टाइम इज रनिंग पेपर लेने आ रही है वेरी गुड बेटा एक सवाल और आएगा मतलब नाम क्या बच्चे आक्षा आशना डबल ए एस एच एन ए हाँ जी नाम क्या है बोल बेटा मोहन मोहक नाइन्टी सेवन सेवन सिक्सटी नाम क्या बच्चे खुशी हाँ नाइन्टी फाइव सिक्स एटी ये आ गया बच्चे जैद ने निकाल दिया हाँ लास्ट लास्ट यही है नाइन्टी फाइव सिक्स एटी हाँ सेवेंटी टू टू एट्टी हाँ नाम बोल भाई नाम बोल ब्रो नाम बोल तेरा मेवन हाँ एट्टी फाइव थाउजेंड टू एट्टी नाम बोल बेटा ऋषभ हाँ सेवनटी सेवन एट एट्टी हाँ आर्या आर्या ने भी जवाब निकाल दिया हाँ बच्चे बोल सिक्सटी सेवन सिक्स हंड्रेड नाम क्या बच्चे है हमारी किरण हाँ सेवेंटी टू टू एटी आ गया हाँ एटी फाइव टू एटी आ गया हाँ एटी एटी फाइव टू हाँ बोल बच्चे बोल यू 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 नाइनटी फाइव थ्री एटी नाइन्टी फाइव थ्री एटी नाम क्या बच्चे तेरा प्रीति की प्रीत प्रीत हाँ 66,560 वेरी गुड नाम बोल देवांश देवा लिखू हाँ ने भी नहीं बोल भाई 88,400 नाम बोल बोल सुदीप सुदीप भाई लड़कों के जवाब आ रहे छोरियों को हुआ क्या इस बैच के जमरा नहीं गया बोल बच्चे एट जीरो जीरो एट जीरो बराबर नाम क्या बच्चे शाखा वी शाखा हाँ 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 सेवनटी सिक्स नाइन सिक्सटी सेवेंटी सिक्स नाइन सिक्सटी हाँ एटी एट टू एटी आ गया हाँ सिक्सटी वन थ्री सिक्सटी एक नंबर हाँ देखा मार्केट में पैसा आया कैसा भागते लोग हाँ 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 एटी फाइव सिक्स एटी आ गया आ गया एटी थाउजेंड एटी नाइनटी एट हाँ नाइनटी एट टू और ना नाइनटी एट टू वेरी गुड हाँ बोल बोल हाँ हाँ एटी टू सिक्स एटी आ गया नाइनटी फाइव आ गया नाइनटी फाइव नहीं नहीं आया है आया है एटी वन सिक्स फोर्टी एटी वन सिक्स थ्री फोर फोर जीरो हाँ हाँ जल्दी बोल बच्चे नाइन फाइव सिक्स एट टू नाइन फाइव सिक्स गया ये जवाब एटी फाइव एटी फोर वन ट्वेंटी एटी फाइव वन ट्वेंटी हम्म चलो लास्ट दो एंट्री बोल बच्चे एटी एट वन नाइन्टी हाँ लास्ट दो एंट्री सेवन सिक्स नाइन सिक्सटी बोल भाई एट फाइव टू एट्टी आ गया हाँ सेवेंटी फोर एट एटी एंट्री क्लोज बिग बॉस की लाइन अब बंद हो चुकी है अब बंद अगले क्वेश्चन में अगला सिल्क यू नो द डैम रियल थिंग पैसा इज मोटिवेशन इवन दो इट इज इन काइंड इवन इट इज इन काइंड साला एक कॉम्पिटिशन सिल्क क्या लेकर के आया पैसा एक नंबर अब सोचो तो सरी ये क्या करके रखा है अर्थ है एवडे आंसर और कईयों के तो मैंने सुने ही नहीं क्या हुआ बेटा ए फाइनल ओ फर्स्ट अटेम्प्ट ओसी चलो टेस्ट करते हैं टेस्ट करते हैं सुनो 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 वाह बेडे वाह मौज कर दी पता है यहां पे आपकी गलती कहां हुई होगी एस टी सी जी मेन गलती होने का हंड्रेड परसेंट चांस उधर ही है सुनो अरे वन टू थ्री फोर फाइव देर आर ओनली फाइव स्पेशल इनकम नॉट सिक्स यस प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाएं, शांत हो जाइए लॉटरी सिक्सटी थाउजेंड इज इट सिक्सटी थाउजेंड इन थर्टी परसेंट दैट इज इट एटीन थाउजेंड ये हो गई लॉटरी लॉटरी के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेवेंटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड इंटू ट्वेंटी परसेंट इज इट फोर्टीन थाउजेंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एटीन थाउजेंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एटी थाउजेंड इंटू फिफ्टीन परसेंट डैट ट्वेल्व थाउजेंड थोड़ा सा शांत मैंने आपके सॉल्विंग के टाइम पे कुछ बात की थी क्या प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए थाउजेंड सिक्सेंड को भी थर्टी परसेंट पे लेके आऊंगा मैं अगेन एटीन थाउजेंड ब्रो बट डी एटीन थाउजेंड एक सौ बारह ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक सौ बारह ए दो लाख है मैं तो एक लाख पे टैक्स निकालूंगा किसी को कोई तकलीफ है और जिसको याद नहीं आ रहा वो जाके अपनी बुक पलटाएं सो एटीन प्लस फोर्टीन प्लस ट्वेल्व प्लस एटीन प्लस टेन इज इट सेवंती टू थाउजेंड अब जो कुछ बचा वो सारा का सारा तुम्हारा नॉर्मल इनकम कहलाएगा एक लाख प्लस तीन पचास इज इट फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड इसमें से बेसिक एग्जामेशन लिमिट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड सर थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड नो बेबी स्पेशल रेट के अंत में आपने ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है ऐसा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 112 ए में नहीं आता वो स्लैब रेट में जाता है सब कुछ लिखा के दिया है हाँ जी क्या टोटल दो लाख रुपए आ रहा है इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट बेटा पांच दो लाख का पांच परसेंट इज इट टेन थाउजेंड एवरीबडी ए सर आपने रिबेट तो दिया ही नहीं पागल लड़की मुझे मरवाएगी 82,000 क्या रिबेट मिलेगा नहीं क्या एच लगेगा हाँ अच्छो फाइनल आंसर इज एटी फाइव थाउजेंड टू एट्टी रुको रुको एक मिनट आंसर पे चलते हैं जरा गिव अराउंड ऑफ ओ क्लॉज फॉर Rishab. ऋषभ आप सिल्क जीते हैं कहाँ है ऋषभ है? है आप। सिल्क पर भाई सिल्क जीता है। कल भाई को सिल्क देना पड़ेगा पर क्या समझ में आया Forget अबाउट चॉकलेट एंड ऑल उसने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया पासिंग परसेंटेज ऑफ सी एंटर किस लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी समझ में आ रहा है क्या इस लेवल पे इतना ही सॉल्विंग लगेगा सर तो फिर अभी हमने कैसे पढ़ना चाहिए कुछ नहीं आज घर पर जाने का सबसे पहले तो एक रफ बुक बनाने का रफ बुक बना के जितने प्रॉब्लम मैंने स्टार्ट करे एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट वन से वापस सॉल्व करने का इससे क्या फायदा होगा कल जब टैक्स कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा स्पीड आ जाएगा कल जब टैक्स कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा क्या जाएगा स्पीड तो यही क्वेश्चन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ने का एक ही बेटर तरीका है इसे सॉल्व करो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लॉ थी उसे सॉल्व जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कलल का आता कैसे पर प्रॉब्लम एक और करना पड़ेगा क्योंकि जब तक सबका एक साथ आता नहीं सबका साथ सबका विकास चलो 4.5 भर दे बेटा पेज सर अब अब ऐसा कोई ऑफर दो आपस बराबर है ना नेक्स्ट कंसेप्ट में दूंगा तुम पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो हम्म हुँ 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 हुँ। एक आध बार ऐसा क्यूट कैलकुलेटर का ऑफर लाना पड़ता मेरे को तो मोटिवेशन मिलेगा चल बेटा पी जी बी पी थ्री लैख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टू लैख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इलेवन ए थ्री लैख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए सिक्सटी टू थाउजेंड सिक्स फिफ्टी सिक्स कुछ लोगों को समझा होगा मैं क्या कर रहा हूँ है ना लॉटरी सेवेंटी थाउजेंड टोटल इनकम फाइव प्लस थ्री सिक्सटी टू सिक्स फिफ्टी सिक्स प्लस सेवेंटी थाउजेंड नाइन लैक थर्टी टू थाउजेंड सिक्स फिफ्टी सिक्स सर रिबेट क्यों नहीं लगा अबे टोटल इनकम पांच लाख से ऊपर था ना कहां से लास्ट प्रॉब्लम में रिबेट लगा था बताते हुए खुशी हो रही है आज के लेक्चर खत्म होने के समाप्ति का टाइम आ गया है बट स्टिल यू आर फ्रेश वर्ड्स लिख पूरे पूरे वर्ड्स लिख लिख पूरे वर्ड्स पूरे वर्ड लिख मेरे को जल्दी जवाब नहीं चाहिए अच्छे से सॉल्विंग चाहिए 61 81640 लगभग वही होगा आंसर मैं सॉल्व कर लेगा ना आई विल जॉइन माइन तुम ये देखो जहां शॉर्टकट लिखे हो सॉल्व कर लिया तो पूरा अच्छे से फॉर्मेट बनाओ स्केलिंग वेलिंग कर लो फॉर्मेट अच्छा कर लो टाइम बचा है तो प्रेजेंटेशन पे फोकस करो करोगे सॉल्व

Total seventy eight five hundred HEC at the rate of four percent three one final answer eighty one thousand six forty yes. Ah <sighs> आया बेटा सभी का कोई है जिसका नहीं आया तो एक और एक और अच्छा एक होमवर्क ये हुई ना बात जीबीपी सिक्सटीन लैख होमवर्क लिखो पीजीबीपी सिक्सटीन लैख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन एक सौ बारह फोर लैख लॉटरीस टू लैख हॉर्स रेस विनिंग टू लैख खत्म थर्ड क्वेश्चन है मैं समझ रहा हूं आंसर दो मिनटों लिख लिया बेटा सभी लोगों ने राउंड ऑफ करेंगे अगर एक लाख से ज्यादा होगा तो टोटल इनकम राउंड ऑफ होती बेटा हेड की इनकम राउंड ऑफ नहीं होती ए आई नॉलेज हब आप एक हेड की इनकम क्वेश्चन क्या है देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को राउंड ऑफ करेंगे क्या लाख से ज्यादा होगा तो हेड की इनकम राउंड ऑफ होती है या टोटल इनकम राउंड ऑफ होती है इज आर डन मैंने अभी सॉल्व करने नहीं बोला होमवर्क है ठीक है चलो जी बढ़ते हैं आगे सर हम कहा हैं स्लैब रेट में उसमें भी सिर्फ पहले वाले पार्ट पे अभी तक पलटो जरा अब है ना एक वो होता है ना स्टिकी नोट वो लगाने का किधर जहां पे ये चार्ट है ताकि दस बार तुम्हें याद रहे कि आना किस पेज पे है है ना एक सेक्शन चार पे लगाना है सेक्शन चार सर हम कहा है सेक्शन चार पे वहां पे रेट वर्ड मिला था एक्चुअली हम सेक्शन चार है चार से स्लैब में घुसे स्लैब से आगे बढ़ रहे है ना अब तक नॉर्मल प्लस स्पेशल पे पहुंचे आज जो सुबह चालू किया था और ये सब पचास मार्क के लिए है याद है ना जीएसटी अलग चलो नोट देखो टिल दिस टाइम यू हैव डन विथ एचईसी राउंड ऑफ रिबेट स्पेशल टैक्स ये नो वी हैव नॉट कंप्लीटेड द टैक्स येट और याद रखिए ये सब आप सिर्फ ओल्ड स्कीम में है <laughs> अरे न्यू स्कीम का तो वाकई ना ब्रो ऐसा क्या कर रहा ये तो सबसे कि मैंने तुझे कहा आज तुझे एक एक रजिस्टर रजिस्टर पकड़ने का है लेकर के जाना और होमवर्क तो तेरे सॉल्व करना ही करना है बैठ करके पूरा टैक्स कैलकुलेशन एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट वन से सॉल्व करना है आज अगर तूने ईमानदारी से ये कर लिया ना कल तेरे को एक परसेंट प्रॉब्लम नहीं आ सकती पर आज करना ही है समझ में आ रही बात जितने प्रॉब्लम हमने सोल्व किए बस उसको उठा के फिर एक बार सोल्व कर देना तो तुमको खुद को जब सॉल्व करोगे ना तो समझ में आएगा तुम अटक कहा रहे हो फिर तुम वापस प्रोविजन पढ़ोगे और फिर वापस अप्लाई करोगे ठीक है चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे सुनो नेक्स्ट पॉइंट को समझने से पहले नेक्स्ट पॉइंट को समझने से पहले एक सिचुएशन समझिए एक सिचुएशन समझिए लिखना कुछ मत सिर्फ समझना है सपोज कर दो पीजीबीपी ये बेटा आपने जो मेरे से सवाल पूछा था ये वो कॉन्सेप्ट है आपके सवाल को यहां से उठा के मैं यहां डाल रहा हूं वापस ये है पीजीबीपी दो लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए है लेट से वन लैख फिफ्टी थाउजेंड अब अगर मुझे इस पे टैक्स निकालना है तो एक तकनीकी डिफिकल्टी है मेरे साथ तकनीकी डिफिकल्टी क्या है आप बोलोगे भाई साहब इसके ऊपर लगाओ सीधा बीस और इस पे नील सॉरी एक ये हटा रहा हूं मैं एक सौ आप बोलोगे इसके ऊपर लगाओ 20 और दूसरे पे आप बोलोगे नील क्योंकि इट डज नॉट एक्सीड बेसिक एग्जाम्सन लिमिट मेरी उस लाइन को लाइन को याद रखिए जेन रैली स्पेशल इनकम पे डायरेक्टली टैक्स निकलता है जैन रैली अब सोचो ये सिचुएशन आ गई पीजीबीपी पी दो लाख की है दैट मींस इट इज नॉट एक्सीडिंग बेसिक एक्समशन लिमिट

आप मेरे को बोल रहे हो टैक्स पे करना है मेरा इस पे कोई रिजर्वेशन नहीं है लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है सरकार ने मुझे कहा है ढाई लाख तक के टैक्स देने की जरूरत नहीं है एम ऑफ दैट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड नो मुझे टैक्स पे करने में प्रॉब्लम नहीं है बट आई हैव अ स्पेशल इनकम एंड आई हैव अ नॉर्मल इनकम आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कितना कम पड़ रहा है मेरे को पूरा ढाई यूज करने से फिफ्टी थाउजेंड आप टू

नहीं 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 आप मेरी एक बात सुनिए देखिए अब तक हमने जितना पढ़ा है उस हिसाब से वन लाख फिफ्टी थाउजेंड पर यूनिट टू बे ट्वेंटी परसेंट आप ऐसा नहीं कर सकते आप मैडम मेरी बात सुनिए आप इधर आइए एक मिनट बैठिए आइए सुनो <laughs> अगर मेरी नहीं नहीं यू कॉन्सेंट्रेट ऑन मी यू यू जस्ट फोकस ऑन मी ठीक है hmm. ये जो स्पेशल इनकम आई है क्या ये मुझे रोज रोज आती है जैसे आप रोज रोज नहीं आते वो भी रोज रोज नहीं आई अब वो आई ही अभी है अगर ये इनकम ना होती तो मेरा टैक्स जीरो जीरो बोलो ना बराबर अब ये आ गई है जिसके कारण मैं ना टैक्स देता वो भी टैक्स में आ रहा हूं हाँ या ना मुझे देने में कोई तकलीफ नहीं है पर जो ढाई लाख आपको मेरे को देना चाहिए वो आप दे दीजिए जो तो बैलेंस है इस पर मेरे को देने में प्रॉब्लम नहीं है आई एम टैक्स मैन जब तक आप अग्री नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ेगा कृपया आप टैक्स पे फोकस कीजिए मैं आपको दो लोगों का कॉन्वर्सेशन सिर्फ इसलिए समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए रियलिटी में कैसे वर्क होता होगा अगर आप टैक्स पेयर है और आपके साथ ये सिचुएशन है आप भी तो सेम डिमांड करोगे क्या अलग डिमांड करोगे आप भी बोलोगे देख बात समझ तू थोड़ा उधर थोधर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है मुझे <laughs> <laughs> मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे टैक्स देना है पर तू समझ रही क्या मुझे प्रॉब्लम क्या है मुझे ढाई लाख तक का बेसिक एग्जामिशन मिलना चाहिए तू बोलना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बराबर है कि नहीं अब मेरे अगर ये बेनिफिट मिलना चाहिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ इधर का पचास हजार बस इधर एडजस्ट कर दे और बचा हुआ जो वन लाख है इस पर तो ट्वेंटी परसेंट ले लेना मेरे को कहाँ तकलीफ है बट देन यू विल ऑल्सो आस्क फॉर रिबेट अरे बेबी आए अरे मैं वो तो रिबेट तो मेरे मिलना ही चाहिए ना वो तो मेरा हक है पर वो दूसरा हक है मेरा आप समझ रहे हैं क्या वो मेरा दूसरा हक है रिबेट इज अ डिफरेंट थिंग एंड टैक्स इज अ डिफरेंट तू समझिए अच्छा खड़े हो सुन इशू समझा क्या क्या है अ रैंडम रैशनल टैक्स पेयर इन इंडिया वुड सर्टनली आस्क फॉर दिस बेनिफिट व्हाई बिकॉज दीज इनकम डू नॉट अराइज ऑन अ डेली बेसिस कम ऑन

ऐसा नो no? नहीं तो आपके मन में आता था कि काम करो ना पहले पूरी की पूरी एडजस्ट कर लो ओवरऑल टैक्स कम हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता अगर आपकी नॉर्मल इनकम है पर वो कम पड़ रही है तो ही स्पेशल एडजस्ट होगी तो ही क्या एडजस्ट होगी स्पेशल एडजस्ट होगी नहीं तो स्पेशल अलग और नॉर्मल अलग जैसे हम निकालते आए हैं आर यू वेटिंग द पॉइंट अब किसी नालायक के मन में यह सवाल जरूर आया होगा सर अगर इसमें मेरी सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेढ़ लाख होता तो जवाब क्या होता कुछ नालायकों के मन में आ गया होता कितने नालायकों के मन में ही आया इसको बोलते पंचायती पहले जो सिखा रहा हूं वो सीखो पर क्योंकि सवाल आया ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता टैक्स होता नील इन शॉर्ट देर इज नो लिमिट कितना एडजस्ट हो सकता है बट मैक्सिमम अप टू फिफ्टी अरे बेसिक एग्जाम से में ढाई लाख तक है ना तो मैक्स टू तो मैक्स एडजस्ट भी कितना करोगे ढाई पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है समझ में आई बात और ये कॉमन सेंस है हम्म तो बताओ अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 250 होता तो टैक्स क्या होता जीरो तो टैक्स क्या होता जीरो पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता समझ में आई बात अगर तीन लाख पचास हजार होता तो क्या होता एक लाख पे बीस परसेंट समझ में आई बात तो क्या ये एडजस्ट हो सकता है यस पंचायती वाले क्लियर हो गए अब फोकस करो वापस से कंसेप्ट के ऊपर अब लॉ क्या कहता है लॉ कहता है अगर एस एस बेसिक एक्जामेशन लिमिट अब्सॉर्व नहीं कर पाया एंड है फर्स्ट एडजस्टेड टूअर्स बेसिक एक्सामेशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी चार्जेबल टू स्पेशल रेट आर यू वेटिंग द पॉइंट इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे कल बायोचू एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज कॉम प्लीज चेक ऑल योर बिलोंगिंग्स बिफोर गोइंग और दो मिनट सुनना दो मिनट सुनना फोर 4.3 में रिबेट वाला इशू 4.3 पॉइंट थ्री की है यह फोर पॉइंट थ्री इसमें रिबेट क्यों दिया टोटल इनकम इज लेस देन फाइव लैख दैट्स वाई रिबेट इज गिवन हाँ जी बेटा ओल्ड स्कीम जो न्यू वाला है वो अंडरस्टैंड प्रॉब्लम में कुछ नहीं आया न्यू स्कीम से कैलकुलेट करना और प्रॉब्लम में क्लियर कट दिखाए कि ऑप्ट आउट किया है डिफॉल्ट स्कीम को तो ओल्ड से करना आप दोनों से पहले चेक करोगे ना और फिर जिससे कम आएगा वो ऑप्ट करोगे ना आप पहले टेस्ट करोगे ना किससे कम आ रहा वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आप पहले दोनों से एग्जैक्टली exactly चेक करोगे यहाँ पे तो क्लियर रहेगा ओल्ड से करना या न्यू रियल लाइफ में आप क्या करते हो चेक करते हो ओल्ड से या और लेने मैं हायर रेट पे पे, पे करूंगा और तेरे को तो लोअर रेट पे, पे पे करेगी ना इसीलिए तो ऑप्शन टू परसेंट डिफर होगा ना दोनों भी ऑप्शनल हुए पर एक उसमें डिफॉल्ट होगा ना कि आपने अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया

इतने प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद एक लाख बारह हज़ार पाँच सौ नॉट एक पच्चीस अब करके देख अब आएगा कौन सा वाला तो उस पर डिस्कशन बाकी हा? हाँ हाँ सर अभी अभी आप था था था। हाँ ये अमाउंट ही फोर्टी थाउजेंड होगा था। थर्टी था थाउजेंड कम होगा था। हाँ तो थर्टी थाउजेंड तक पूरा एडजस्ट हो जाएगा टैक्स जीरो वही तो बोला कल डिस्कस करेंगे ऐसा बहुत डिस्कशन है कल ये अभी तक पूरा नहीं हुआ होल्ड ऑन टिल टुमारो तु, पढ़ेंगे ही कल आज सिर्फ मैंने डिस्कशन चालू किया है सेम नॉर्मल स्लेब्रेट था था अगर तो फिर वो 50 कल ये इससे आज कोई भी सवाल मत पूछो तो क्योंकि इसका discussion ही मेरे को कल करना आज सिर्फ मैंने डिस्कशन चालू करके छोड़ दिया और मैंने बोला फर्दर टू बी डिस्कस टूमारो तो ये कल आ जाएगा अगर मैंने शेयर्स को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता 12 महीने से कम होल्ड किया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता शेयर्स के लिए अदर अदर देन शेयर्स 36 सिक्स मंथ्स है जैसे प्रॉपर्टी 36 सिक्स मंथ से ज़्यादा लॉन्ग 36 सिक्स मंथ से कम शॉर्ट हाँ क्यों Round off already है ना? वो था ना जी आपने कुछ दिया था। ये, हाँ, ये क्यों एक, एक लाख से कम है तो टैक्सी क्यों क्योंकि नहीं निकालना तो राउंड ऑफ करके भी क्या कर लोगे? ब्रो टोटल इनकम लेस देन फाइव होनी चाहिए कुछ नहीं करते टोटल हाफ 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 so, इनकम देखी जाती है नॉर्मल नहीं वाह वाह बेटे वाँ। जब पीछे जाने बोला था तो गए नहीं थे शायद तुम टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल तो रिबेट के लिए जो देखी जाती है वो टोटल देखी जाती है ना कि सिर्फ नॉर्मल क्योंकि रिबेट टोटल इनकम से टोटल टैक्स से मिलता है और सर वाह बेटे ये काय के ऊपर है शेयर। शेयर्स मैंने लैंड बेची तो ये आ सकता है क्या 112 ये तो उस केस में क्या आएगा 112 अच्छा मतलब प्रॉपर्टी के केस में क्या ये सिर्फ शेयर्स के, के केस में है शेयर्स के अलावा जैसे गोल्ड बेचा 112 हाँ। प्रॉपर्टी बेचा 112 मतलब ये केवल शेयर्स पे है ये लिए केवल शेयर्स पे लगेगा हम्म हाँ बारह हजार पाँच सौ आया टैक्स लाइब्रिटी हाँ तो टैक्स लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी बारह हजार पाँच सौ है ना तो बारह हजार पाँच सौ और बारह हजार सौ दस हज़ार कहाँ से लाया तू दस हजार कहाँ से लाया हंड्रेड परसेंट टैक्स लाइबिलिटी पाँच सौ आया ना दस हजार किधर से लाया हाँ था जो है वो तूने दस कहाँ से लाया मैं वो पूछ रहा हूँ दस लाख की वो तो टोटल फिगर में ही नहीं है तूने इसको दस हजार लिख दिया